आज के यंगस्टर्स छोटी उम्र में बड़ी कामयाबी पा लेते हैं, जैसे हमारा आदित्य। उम्र सिर्फ 25 साल, लेकिन 25 से ज्यादा लड़कियां घुमा चुका है। मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। अपने काम में वो इतना माहिर है कि उससे बड़ी उम्र के कई लोग उसे सर कह के बुलाते हैं, और सैलरी इतनी कि उससे पूरी अय्याशी करता है, और अपनी कंपनी में वो नंबर वन कहलाता है। एक्सीलेंट, यू आर प्रमोटेड। आदित्य डबल लाइफस्टाइल जीने वाला यंगस्टर है। महंगी से महंगी बाइक और सुंदर से सुंदर लड़कियां। आदित्य बहुत ही शौकीन यंगस्टर है। उसे कार और महंगे कपड़ों का बहुत शौक है। उसकी लाइफ का फंडा है जियो तो शान से, और वो रहता भी है इस आलीशान 5 BHK के घर में। इंसान को अक्सर जो मिलता है वो उसकी कद्र करना भूल जाता है, जैसे कि आदित्य। छोटी उम्र में इतनी कामयाबी हाथ लगी कि आदित्य उसे ग्रांटेड लेने लगा, अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा। अपने अहम के चलते होटल में उसने मारामारी की, तोड़फोड़ की, और एक आलीशान होटल को खंडहर में तब्दील कर दिया। शादी के मंडप में घोड़ा लेकर पहुंचा, और वहां अपने घमंड के चलते उसने शादी के मंडप को शमशान बना दिया। दारू के नशे में इस तरह धुत था कि उसने पूरी वाइन शॉप को जलाकर स्वाहा कर दिया। कल जिस आदित्य के पीछे लड़कियां पड़ी रहती थीं, आज पुलिस और स्पेशल फोर्सेस पड़ी हुई हैं। कुल मिला के एक शरीफ वेल टू डू इंसान से अब वो एक मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल बन गया है। शहर में इतने सारे ब्लास्ट, और अभी तक इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट भी नहीं आई। पब्लिक कंफ्यूज है सर, बातें बना रही है। वो आदमी ने किया, नक्सलाइट ने या किसी आतंकवादी ने, वो पागल है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जस्ट गो एंड कैच हिम। सर सर, हमें एक एड्रेस मिला है। इंस्पेक्टर आनंद। यस सर। कैन यू हैंडल दिस? हैंडल ही नहीं सर, मैन हैंडल करके मैं उनसे सच उगलवाऊंगा। जो हादसा हुआ है उससे लोग काफी डरे हुए हैं। पुलिस अभी तक इस हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। जैसे ही हमें इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। हर बंदा खुद को हीरो समझता है, पर मेरी लाइफ में मुझसे बड़ा विलन कोई नहीं है। मेरा नाम आदित्य है, उम्र 25 साल। मुझे लगता था पार्टी, मस्ती, फ्रेंड्स, लड़कियां, याशी, दारू, लाइफ है तो बस यही है। पर मैंने सुना है कि आत्महत्या वही करता है जो प्यार में 100% मार्क्स लेकर पास होता है। जो फेल होता है वो ये कोशिश कभी नहीं करता। मेरी इस कहानी में कई किरदार हैं, उनमें से एक है ये लड़की विनीशा। मैं और विनीशा कभी लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन मेरे लिए वो टाइम पास थी और उसके लिए मैं उसकी लाइफ। इसलिए इसे लगता है मैंने इसके प्यार का गलत फायदा उठाया, और अब इसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन है, और वो है मुझे अपने हाथों से मारना। शी वॉन्ट्स टू किल मी।
हे ब्रो, आर यू ओके? हेलो, या चल। तुम जैसी हसीना हो तो मैं रोज मरने को तैयार हूँ। तुम्हें तो लॉकर में रहना चाहिए, वरना पूरा शहर घायल हो जाएगा। अक्सर लाइफ का दी एंड एक्सीडेंट से होता है, पर मेरी लाइफ शुरू हुई एक्सीडेंट से। अंजलि को देखते ही मुझे पता चल गया कि वही मेरी लाइफ है। अंजलि के प्यार का कुछ इस तरह मुझ पर बुखार चढ़ा कि अब उसे पाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम बन गया है। मैंने तो सोच लिया है, अब मैं ये लाइफ बिना अंजलि के नहीं जीऊंगा। अंजलि है तो आदित्य है। आई लव यू अंजलि। लोग मुझे स्टड और प्लेबॉय बुलाते हैं, लेकिन मैं लाइफ बॉय हूं। हाँ, या एक्सक्यूज मी सर, सर कौन है ये चिरकुट? इतनी सुंदर लड़की लेके आया है और उसके सामने बर्तन साफ कर रहा है? सर, कार नंबर 4565। परफेक्ट, ठुक गई है सर। व्हाट? मैं जब पार्क कर रहा था तो किसी ने पीछे से आके ठोक दी उसे। यू ब्लडी इडियट, मेरी कार का ऑटो रिक्शा बना दिया क्या? पहचाना मुझे? अरे उस दिन जिस बेचारे को तुमने ठोका था वो मैं ही तो हूँ। What? क्या यार, तुमने पहचाना नहीं? नहीं तो? बम्पर टूट गया, डिक्की अंदर घुस गई। अरे आजकल की लड़कियाँ कितनी मतलबी हो गई हैं। एक तो ठोकती हैं, ऊपर से भाव खाती हैं, और पपलू टपलू को रेस्टोरेंट में लाकर रोमांस रोमांस खेलती हैं। कहाँ वो डालडा, कहाँ मैं देसी घी, और उसको आई लव यू और मुझको हुआ रही। कितने पैसे चाहिए? 100 करोड़। What? इतने पैसे नहीं है ना, तो मेरे साथ एक कॉफी पी लो, बस सब सेटल हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम क्या यहाँ मुझसे लड़ने आए हो? अरे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। वैसे उस थके हुए का नाम क्या? शट अप जयंत। ओह शट अप जयंत, एक काम करो, उसे ड्रॉप करो और मुझे पिकअप करो। एक्सक्यूज मी, देखो ना तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता है, ना ही तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। मैं जानती हूँ मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है, ये तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रूव कर दिया तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। क्या हुआ? गाड़ी को ठोक दिया किसी ने। आई विल किल दैट इडियट। आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है, कौन किसके साथ बैठा और किसको देख रहा है पता है? अच्छा अभी तुझे कोड़ता हूँ। ब्लडी इडियट, दिखता नहीं अंधे हो क्या? सॉरी सर, माफ कर दीजिए। आप इस तरह कस्टमर्स को ऑर्गेनिक और हाइजीनिक खिलाते हो? दिस इज हाउ यू डील विद कस्टमर्स? उस दिन एक्सीडेंट के बाद अगर वो मर जाता तो अच्छा होता। Ladies and gentlemen, I'm a new recruit in a very big multinational company. मेरे टैलेंट को परखने के लिए मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया गया है, so please wish me luck. All the best. In which company, bro? Company, Al-Qaeda ISIS Kismis. इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इस होटल में RDX बॉम्ब प्लांट किया है। 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर के रेडियस का सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर कोई भी बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। डोंट वरी, 5 मिनट बाद किसी को पता नहीं चलेगा। भागो! अरे अरे रुको, रुक जाओ यार, मेरी नौकरी चली जाएगी। जाओ मत, बेरोजगार की बदबू लगेगी, भागने का कोई फायदा नहीं है। अरे मत जाओ। ओ कहां गए सब? किसी ने कहा यहाँ पर बॉम्ब है। What? इसलिए सब भाग गए। बॉम्ब? हाँ। और जयंत? वो देखो, वो रहा डरपोक रेस में सबसे आगे। और तुम यहाँ मेरी खातिर रुके? या। अरे तो चलो यहाँ से, रुके क्यों हो? बॉम्ब फट जाएगा। वो अफवाह मैंने ही फैलाई थी। क्या? तुम्हें क्या लगा इस तरह की अफवाह फैलाकर तुम हीरो बन जाओगे? तुम एक बार कह के तो देखो, तुम्हारे लिए हीरो तो क्या, टेररिस्ट भी बन जाऊं। ये स्माइल मार डालेगी, पर तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज एक कॉफी पी लो ना। सॉरी सॉरी उस एक्सीडेंट के लिए।
कॉफी? आदित्य का ड्रीम अब पूरा हो गया था। पहले जो वन वे ट्रैफिक था अब टू वे हो गया। अंजलि और आदित्य की लव स्टोरी परवान चढ़ रही थी। आदित्य का लड़कियों के साथ बैठना और उनके साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने उस पर बैन लगा दिया। सिगरेट पीना और शराब पीना भी अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने उसकी शराब और सिगरेट पर भी बैन लगा दिया। सुबह होती तो अंजलि से गुड मॉर्निंग सुनकर सब कुछ मानो आदित्य के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किस्मत को ये प्लान मंजूर नहीं था क्योंकि इस कहानी के साथ अंडरवर्ल्ड की कहानी भी जुड़ी थी। देवराज भाई ड्रग्स के धंधे के बेताज बादशाह थे, धंधे में उनकी टक्कर का कोई भी नहीं था। रघु और साधु दोनों सगे भाई उनके लिए काम करते थे, सारा धंधा वो दोनों ही मैनेज करते थे। जिस दिन देवराज भाई को पता चला कि उनकी बेटी नशे की आदी हो गई है, उसी दिन से देवराज भाई ने नशे के धंधे पर फुल स्टॉप लगा दिया और पलट के उस धंधे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। लेकिन साधु और रघु इसी धंधे को आगे बढ़ाना चाहते थे। देवराज भाई ने रघु को मार डाला। साधु को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने ठान लिया कि वो उससे बदला लेगा। जब कमला को वो रिहैब सेंटर ले जा रहे थे, तब साधु ने उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा दिया। साधु को लगा कि कमला भी मर गई, पर कमला जिंदा थी। क्या कर रहे हो? नई ड्रेस अच्छी है। लास्ट ईयर बर्थडे पर पहनी थी, भूल गए क्या? अरे मैं कैसे भूलूंगा, मैंने ही तो गिफ्ट दी थी तुम्हें। ये डैड ने दी थी। ओह राइट, तब हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी ना। शट अप, हमारे अफेयर को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं। रियली? ऐसा लग रहा है आज ही सुबह मिले। डैड को हमारे बारे में पता चल गया है, वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। प्रकाश अंकल के बेटे ने तो हाँ भी बोल दी है। तुम मुझे पसंद आ सकती हो तो किसी को भी आ सकती हो। बी सीरियस आदि, तुम्हें मेरे डैड से बात करनी होगी। ठीक है चलो, तुम्हारे डैड से बात करते हैं। और डैड नहीं माने तो भाग कर शादी करेंगे। पकड़े गए तो पता है क्या अंजाम होगा? तो अपनी जान दे दूंगा। रियली? रियली मतलब रियली। आई लव यू आदि। आई लव यू टू। आंखें बंद करो। अरे ये ए मतलब? ए मतलब हमारे नाम, अंजलि आदित्य। तो क्या अगर तुम मुझे बता दो कि आज क्या स्पेशल डे है, देन आई एम ऑल योर्स। एक मिनट। हाँ यस, बम्पर ऑफर के साथ कंडीशन अप्लाई का लोचा कर दिया। हाँ ठीक, 2 साल पहले हम इसी जगह पर मिले थे, है ना? गलत बोला क्या? हाँ, तुमने आज से 2 साल पहले मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, है ना? नो। ये भी नहीं। हाँ तुमने आज ही के दिन मुझे प्रपोज किया था ना? नो, मैंने प्रपोज नहीं किया था, तुमने किया था। और आज वो दिन नहीं है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anju Aditya, happy birthday to you. Oh, thank you so much. दूर रहो मुझसे। Sorry baby, I'm so lucky. मैं अपना बर्थडे भूल गया लेकिन तुम्हें याद था। आज के बाद मैं अपना बर्थडे कभी नहीं भूलूंगा। Just shut up. This is too much. मैं अपना बर्थडे भुलाऊं तुम्हारा थोड़ी। हम पहली बार कब मिले तुम्हें याद नहीं, तुमने प्रपोज किस दिन किया वो भी याद नहीं, मेरा बर्थडे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारा बर्थडे याद रख के ये सरप्राइज प्लान किया, और एक तुम हो जिसने मुझे निराश कर दिया। अरे मैंने कब कहा कि मुझे ये सब याद नहीं है? लाया, जब मैंने पूछा आज क्या स्पेशल है तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं था। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? सब कुछ भूल जाना भी प्यार होता है। मेरा प्यार इतना गहरा है कि उसके आगे मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आज के बाद मैं सब कुछ याद रखूंगा, प्लीज। अब रहने दो। प्लीज अंजू, तुम्हारे लिए मैं सारी बुरी आदतें छोड़ चुका हूँ। अरे लड़कियों से बात भी नहीं करता, चाहो तो मेरा फोन चेक कर लो, लड़की का नंबर तक नहीं है। देखो नहीं मानती ना, फोन का स्पीकर ऑन करता हूँ। ये लो। हेलो। हैप्पी बर्थडे आदि। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? ओ, आसपास लोग हैं क्या? जब भी मैं किस करती हूँ तुम रिप्लाई में मुझे किस करते हो, आज क्या हो गया आदि? हे, कौन हो तुम? हेलो, ये सब बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? चीटर। हैप्पी बर्थडे। चुप करो यार, ये लो। हाँ थैंक यू। जाओ अंजलि। अरे अंजलि सुनो मेरी बात। अंजलि अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है साधु, साधु सिंह। ऐसा कोई काला काम नहीं है जो साधु नहीं करता। यो समझ लीजिए कि खौफ का दूसरा नाम है साधु भाई। चेक ब्रदर,
धप तेरी की। जिस तरह कबड्डी में बार बार कबड्डी कबड्डी बोलते ना भाई, वैसे चेस में बार बार चेस चेस नहीं बोलते। चेस बोल के मैं अपने शूटरों को चेक करता हूँ, समझा क्या? हेलो भाई, कमला ने हमारी दुकान पर हमला कर दिया। क्या बोल रहा है तू? ऊपर से धमकी दी है कि आपको फोन करके बता दूं। मैं वहां पहुंच रहा हूं। फंटरों, किसने कहा था कि देवराज की छोकरी कमला लुढ़क गई है? भाई अपुन बोला था, अपुन नहीं उस दिन आपको वो ब्रेकिंग न्यूज दी थी। अच्छा इधर आ। गोलू मोलू कालू। ए तू गेम खेलेगा? कौन सा? अरे जिसमें छड़ी को बॉल से मारते हैं। गोल्फ। हाँ ये देख, ऐसे उठाया और ऐसे पकड़ा, देख रहा है ना? जी भाई। अच्छे से देख। पर तुम्हें अपुन की भी धुलाई हो जाएगी। भाई भाई देखो ना, आप जीत गए, चेस में आप जीत गए। जो साधु को पक्की खबर नहीं देता, साधु उसकी खबर ले लेता है। अरे बाबा मुझे खून खराबा पसंद नहीं। अमुन ने घपला किया है, भाई को पता नहीं चलना बंद कर। मैं गया काम से। अरे ये क्या किया तूने? अपने आप को मार दिया। उस दिन जब कार में ब्लास्ट हुआ था तो अपन को लगा कि कमला मर गई, पर बाद में अपन को पता चला कि वो नहीं मरी थी, सिर्फ उसका बाप मरा था। अरे तो क्या हुआ, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, अपने आप को मारने की क्या जरूरत है? वो क्या है भाई कि अपन ने भी आपसे सच छुपाया था, झूठ बोला था। मतलब भाई जब आपसे कोई झूठ बोलता है तो आपको क्रोध आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके हाथों कुत्ते की मौत मरने से बेहतर इंसान की मौत मर जाऊं। कथे झूठ उसने बोला तो मैं तुझे क्यों मारूंगा बता? मुझे ऐसा लगा था। अरे तू तब मरता जब मुझसे झूठ बोलता, खाली फोकट कोल्हापुरी घुसा के भेलपुरी निकाली। आपकी खुशी के लिए अपन ने खुदकुशी का ट्राई मारा, अब अपन को एसी वाले हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले चलो, मरने का शौक था ना भाई? टकले भाई, ये जल्दी टपक जाएगा, इसको शेयर ऑटो में डाल के भगा दे। ओके भाई। बेकार की मचमच आप उनको पसंद नहीं। अब ये ठकराल, गेम में कोई लोचा किया क्या? भाई वो आपके हाथों मरने से अच्छा है अपना खुद राम नाम सत्य कर लेता हूँ मैं। ए चलो ना जल्दी जल्दी करो, अभी स्विमिंग पूल का भी काम बाकी है। ये वही विनीशा है जिसके दिल में आदित्य के लिए पहले जितना प्यार था आज उससे ज्यादा नफरत है। इसे लगता है कि आदित्य ने इसकी फीलिंग्स का फायदा उठा के इसे अपनी से दूर कर दिया है। कुछ भी हो जाए ये आदि को मार कर अपना बदला लेना चाहती है। आदित्य को कई बार मारने की कोशिश कर चुकी है और हर बार इसका वार पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। लगा रहे थे? फील्डिंग नहीं सेटिंग कहो, जो मैं तुम्हारे लिए कब से लगा रहा हूँ। ऑफिस खत्म होने के बाद तुमने बताया था ना कि तुम घर जाकर टल्ली हो जाती हो। हाँ। तो चार पिक्स डाउन होने के बाद तुम्हारे घर में घुस के मैं तुम्हारा फायदा उठाने वाला था, पर ये डिक्की तो खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। डिक्की में छुपने के बजाय अगर आप चुपके से मेरा प्रमोशन कर देते तो शायद। काश मेरे हाथ में इतनी पावर होती ना तो मैंने तुम्हें सीधा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया होता, लेकिन हमारे एमडी उस जाहिल डफर इंसान ने उस जूनियर आदित्य को हमारा बाप बना के भेज दिया। तो मैं आदित्य पर डोरे डालती हूँ। तुम मत जाओ, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। मेरे प्रमोशन की बात करो ना। अरे डार्लिंग मैं हूँ ना। ए स्टीव, अरे रुक जा स्टीव, क्या कर रहा है, मुझ पर इतना भड़का हुआ क्यों है? मेरी क्या औकात है सर कि मैं आप पर भड़कूंगा, वैसे भी मैं ठहरा एक क्लर्क और आप बॉस है।
बॉस बोलता है? अरे स्टीव रुक यार। लिफ्ट तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए होती है, मैं तो सीढ़ी से चला जाऊंगा। अब आइडिया आया। आदि आदि वेट 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 मैं आई थैंक यू। क्या आदि, तुम और स्टीव तो बचपन के दोस्त हो ना, तो तुम्हारे बीच में ये पंगा कैसा? मेरी लाइफ में लड़की आती है तो उसका क्या जाता है? ये गलत है। तुम्हारे लाइफ में अगर लड़की की एंट्री होगी तो दोस्त तो अपने आप एग्जिट हो जाएंगे ना। वैसे स्टीव को अचानक प्रमोशन कैसे मिल रहा है? इसकी वजह हमारी फ्रेंडशिप नहीं है, उसका टैलेंट है। अरे वाह, तुम्हारी ईमानदारी तो खरा सोना है। ये बात जरा चेयरमैन को भी पता चलने दो, उनके सामने स्टीव को जोर का झटका धीरे से दो, फिर देखो वो लाइन पे आ जाएगा। मैं समझा नहीं। चुपचाप जाओ और स्टीव के बैग से प्रोजेक्ट की सीढ़ी निकाल कर मुझे दे दो। कॉन्फ्रेंस हॉल में हम सब आराम से बैठे होंगे और उसके बाद होगी स्टीव की एंट्री। पर स्टीव तो हमारे साथ में ही आएगा ना? नहीं रे, इस बार नहीं, वो लेट आएगा। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला होगा वो अपने बैग में प्रोजेक्ट की सीढ़ी ढूंढेगा। जब सीढ़ी नहीं मिलेगी टेंशन धीरे धीरे पड़ेगी। जब उसका प्रेजेंटेशन कविता प्ले करेगी उसका फ्यूज उड़ जाएगा। कविता प्ले करेगी? सर ये चीटिंग है। एग्जैक्टली। स्टीव अपने प्रमोशन की सारी उम्मीदें छोड़ देगा जैसे ही चेयरमैन कविता के प्रमोशन का अनाउंसमेंट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक गलतफहमी हुई है, ये प्रेजेंटेशन कविता की नहीं स्टीव की है। फिर उसकी नजर में तुम हीरो बन जाओगे। अगर उसने पूछा कि सीढ़ी कैसे बदली तो तब मेरी एंट्री होगी। एक्सक्यूज मी सर, एक गलतफहमी हुई है, ये प्रेजेंटेशन कविता की नहीं स्टीव की है। व्हाट? एक्चुअली सर बात ये है। मिस्टर आदि टेंशन मत लो, तुम्हारी बात ये कपूर सुनाएगा। थैंक यू। सिट डाउन। सर ये कविता का प्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, पहले भी स्टीव ने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया है वो सारे कविता के थे। मिस्टर कपूर टेक नेसेसरी एक्शन। श्योर सर, थैंक यू। ये सब क्या था सर? तुम्हें चीट किया रे। हेलो, एक मिनट अंजलि रुको, मैं आ रहा हूं। मैं जब कॉन्फ्रेंस में था तो अंजलि ने मुझे फोन करके फौरन मिलने को कहा और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उससे मिलने चला गया। अंजलि ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है, मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ। ये सामान किसका है? तुम्हारा। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। व्हाट? इन सूट केसेस में तुम्हारी दी हुई ड्रेसेस, गिफ्ट्स, डीओस, वॉचेस और बाकी सारी चीजें हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी एक भी चीज अपने पास नहीं रखूंगी। तुमसे नाता तोड़कर मैं कल से एक नई लाइफ शुरू करने वाली हूँ। जयंत और मैं शादी कर रहे हैं। गुड बाय। अंजलि, अंजलि पागल हो गई हो क्या? डेट भूल गया तो किसी और से शादी कर लोगी? वैसे मुझे सब कुछ याद है, पहली बार हम 15 अप्रैल को मिले, दूसरी बार मई सेकंड को, तुम्हारा बर्थडे 11 सितंबर, इतना काफी। और सुनाओ। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मेरी बेटी को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकल ये क्या कह रहे हैं? डैड इससे बात करना बेकार है। ये बेशरम तो है ही। भुलक्कड़ भी है। अब से तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ना कोई डेट्स, ना कोई दिन, ना ही मुझे। वैसे जो भी मुझे कहना था मैंने इस लेटर में लिख दिया है, इसे आराम से पढ़ना और मुझे भूल जाना। ओके सर, आज सुबह की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ना। अच्छा तो मेरा प्रमोशन रुकवाने के पीछे आदित्य का हाथ है, कभी मौका मिलेगा तो बदला जरूर लूंगा। ए स्टीव, जल्दी अपने वाले रेस्टोरेंट पे आना यार। बेटो बॉडी पर तेरे मांस नहीं, खाता हूँ रोज मैं तंदूरी टिका, घास नहीं। जब अपुन की सटकती है ना तो दुनिया इधर उधर भटकती है। काना बोल के शान। रुको रुको रुको, उसने किसी और को काना बोला, तू क्यों भड़क रहा है? ये अपुन को तू तड़क पसंद नहीं है, समझाना। ठंड रह गया। ये अपुन का मैटर है, अगर तू बीच में आया ना तो तेरे को भी फोड़ डालेंगे, समझाना। अरे बंद कर अपनी बकलौली, पीकर गटर में गिरना ओके, राशन पानी लेकर चढ़ना नोट हो गया। आई हेट चीटिंग, आई हेट चीटिंग। मेरे प्रमोशन की वाट लगा के कविता को आगे पहुंचा के यहाँ पे बाबा की तरफ प्रवचन दे रहा है। स्टीव,
देखा मेरे बैल को, एकदम डेंजर है, एक बार चार्ज किया तो सीधा सबको आउट करेगा। तूने क्या सोचा था आदित्य अकेला है? चल चार्ज हो जा मेरे दोस्त, सबके विकेट उड़ा दे। ये काला बहुत सारा बन रहा है, मार इसको। ये लंगूर मारेगा? चलो रे, लगता है इसकी मौत आई है जो अपन से पंगा लिया है। आज तुझको कोई नहीं बचा सकता रे मामू, ये हेलमेट तेरा सिर बचाएगा तुझे नहीं। बोल बोल राज दिल का खोल, बोल ए, बताता या नहीं? बताता हूँ भाई, अभी बताता हूँ। तो जल्दी बोल भाई। वो लोगों ने लड़की छुपा के रखी है। एड्रेस बता। बता रहा हूँ पद्मा को कहाँ छुपाया है। तो जल्दी बोल। हाईलैंड अपार्टमेंट 9th फ्लोर फ्लैट नंबर 99। Cheers! अरे मेरे शेर घटक लिए एक साथ, डरने का नहीं। लड़ाई झगड़ा अब खत्म हो गया, अब हम सब यार है। यार यार करो आपस में प्यार, चलो। काहे का यार बे, थर्ड स्टैंडर्ड से मुझे बेस्टी 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 कह के नौकर बना के रखा है। सच है क्या? 2 साल पहले इसका दिमाग हटा हुआ था, अब तो दिमाग ही गायब हो गया। ये भी सच है अंजलि? उस लड़की ने इसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। ओ गॉड, तूने कितने पाप किए हैं? आज मेरी वाट लगा के तू यहाँ पी के एंजॉय कर रहा है, नौकरी की बैंड बजाई फिर मुझे बजवाया। ए, अपन को वायलेंस पसंद नहीं। वो अपन की बोतल है, दे इधर। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है स्टीव, ये सब उस कपूर का प्लान था। अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा देने की सजा मुझे मिल गई है मेरे दोस्त। ये सब दारू चकना एंजॉय करने के लिए नहीं है। अबे ये तो मेरी बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है। अंजलि मुझे छोड़ के चली गई रे। सच में तूने पीना बंद कर दिया था फिर शुरू किया मतलब पार्टी? अरे मतलब ये के ये टल्ली होकर गटर में गिरने वाला है, और तो और ये सबकी धुलाई करने वाला है। अभी अभी पार्टी शुरू हुई है, अंजलि के साथ तेरा बैट लग गया। अंजलि क्या हो गया रे बिड़ू? आप उनको बता। तू जान गया ना अंजलि तुझसे कितनी नफरत करती है। हाय मिस्टर यूजलेस फेलो आदित्य, 2 साल पहले तक मैं हमेशा खुश थी, तुम्हारी मेरी लाइफ में एंट्री हुई और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। हम तो रोज मिलते थे लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं रहता, इसलिए ये पक्का हो गया कि तुम्हारा प्यार प्यार नहीं जोक था। यार चीटर, इन शॉर्ट तुझे गेट आउट कर दिया। उसने जब चीजें लौटाई तब भी उसकी आंखों में प्यार दिख रहा था मुझे। जैसे गली के कुत्ते को भगाते हैं वैसे तुझे लात मार के निकल गई। तुझे एक कड़वा सच बोलूं क्या? चैटिंग, डेटिंग, मीटिंग और फ्लर्टिंग ये लड़कियों के शौक होते हैं। अगर तुम बात करो लव, शादी और लाइफ साथ बिताने की, तो वो तुम्हें बोझ मानने लगती है और धीरे से पतली गली से सटक लेती है। बेवफा सनम, मेरी अंजलि ऐसी नहीं है। वो छोड़ यार, उसके साथ 2 साल एंजॉय किया ना। अरे मैंने एक बार भी एंजॉय नहीं किया। तो लाइफ से अंजलि को कंट्रोल ऑल डिलीट कर, फ्रेंड्स को ऐड कर और लाइफ रिस्टार्ट कर। मैं सुसु करने जाता हूँ। जा 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 के। लड़की मांगती है तो बता। अबे देखेगा तो देखते रह जाएगा। A1 है। मस्त है, एकदम मस्त लड़की। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कम कविता, बैठो, आराम से बैठो। एसी में भी गर्मी का एहसास। अरे तुम लोग अभी तक जिंदा हो? वाह 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 कपूर, क्या टाइमिंग है तेरी। मतलब? मतलब तेरे को यहाँ देखकर हाथ की हथेली में सलट खुजली हो रही है। क्यों रे स्टीव, इतना सब होने के बाद में तू इस धोखेबाज के साथ है? कौन क्या है मुझे सब पता है। इसने तुम्हारे टकले वेज मंचूरियन विद पनीर बिरयानी शेजवान चटनी के साथ है। हाँ वो भी। इसको छोड़ दे। पकड़ उसको। अबे बताता हूँ तशरीफ पे हाथ साफ मत करो प्लीज। केयरफुल सर, केयरफुल। तुम्हारा ध्यान क्या सिर्फ बिल की तरफ होता है? सिक्योरिटी वालों को बुलाओ और उसकी धुलाई करो। अच्छा
उसका साथ दे रहे हो। दुश्मन का दोस्त अपना दुश्मन होता है, इसलिए अब तुम सब मेरा जानी दुश्मन हो। बजाओ रे। बड़ा समझ के मुझे माफ कर दे। मेरे और मेरे दोस्त के बीच आग लगाता है। रास्ता साफ है, भागो भागो भागो। थैंक यू, बाय। मजा आएगा। मेरी कार, हमारी कार। मुझे लगा था उस लड़की के लिए तू मुझे, अपने डैड, हम सबको छोड़ के चला जाएगा। कभी नहीं। सही है। वैसे जिस तरह अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के लिए, उसी तरह ये अपने पापा के लिए। यार अभी तो लड़की ने इसे टांग दी है, अब डैडी को क्यों बीच में घसीट रहा है? उस लड़की की वजह से इसके डैड दूर हो गए थे। उसने उन्हें ओल्ड एज होम में भिजवा दिया है। रिहैब सेंटर में, ओल्ड एज नहीं। अच्छा, इसके पापा भी बड़े नशेड़ी थे क्या? सिर्फ नशेड़ी नहीं, हुस्न, कोठा, जुआ, ड्रग्स, सब के शौकीन। चस्के को मस्के की तरह भगाने के लिए रिहैब भेज दिया। और हमारा क्या बंधु? पापा को याद करता है। अच्छा, यानी इसका दिमाग अब प्यार से पापा पर शिफ्ट हो गया है। मैं पागल हो गया था, डैडी को भूल गया, सारे दोस्तों को भी भूल गया। रो मत भाई, बस अब बहुत हुआ, उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। उसकी एक भी निशानी नहीं चाहिए, इस थर्ड क्लास अंगूठी को भी फेंक देता हूँ। से गिरा स्टूपिड का डैड। आजा। ओ स्टीव, डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो आप ही को ढूंढने के लिए भटक रहे थे, साथ में आदि भी है। आदि भी यहीं पर है क्या? हाँ, तो वो अंदर नहीं जाता तो आप बाहर कैसे आते? दीवार कूद के। अच्छा, फिर वो अंदर कैसे उठाने गए? क्या मनोहर कहीं मिल नहीं रहा है? हाँ सर, उसके साथ साथ कमला भी गायब है। पेशेंट इज इम्पोर्टेंट, चलो ढूंढो उन्हें। समझ गया, पीछे पीछे। ये क्या कर रहा है? ये जमीन को मेरी गोरान की तरह क्यों घूम रही है? गलती से मिस्टेक हो गई। ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगी। अब तुम दोनों कौन हो? बेटा है तुम्हारा, नहीं मनोहर का। मनोहर के बेटे हो? अच्छा। ये तो मनोहर का बेटा है, पकड़ो उसको। कैच, जल्दी जाओ, पकड़ो, जाओ। उस उल्लू को हम उल्लुओं ने कितना अच्छा उल्लू बनाया। इसको बोलते हैं नो लोचा वही हुआ जो सोचा। करेक्ट है यारा। आपकी तारीफ मैं करती हूँ ना। ये
ये कौन है डैडी? ये तो कमला है। अबे इसका नाम नहीं पूछा। डैडी की गर्लफ्रेंड। अपने बंधु की नहीं मम्मी। डैडी। यस माय सन। अगर दारू है मेरी लाइफ तो कमला है उस लाइफ का प्यारा नशा। आई लव यू। आधार कार्ड पे एज देखिए ना। मेरी उम्र 55 की और मेरी कमला 23 की। उम्र पे मत जा, अभी सेंचुरी मारनी है। फिल्मी कहानियां मत सुनाओ, उतारो इसको। ए, तुझे तेरा बाप चाहिए कि नहीं? अरे चाहिए ना। तो मुझे कमला चाहिए। अरे वाह, आदि की नई माँ आदि से छोटी है तो बड़ा बेटा छोटी माँ के पैर छू के आशीर्वाद लेगा और छोटी माँ बड़े बेटे से कहेगी तुझे मेरे भी उम्र लग जाए। प्यार में इम्तिहान होता ही है, लेकिन मैं एक बाप और बेटे के बीच नहीं आना चाहती। मैं जा रही हूँ। कमला, तुझ बिन अधूरा हूँ कमला, जैसे बिन फूल का गमला। मुझे छोड़ के मत जा। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अब तक इसकी 7 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स को बिना आनाकानी किए मैंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मेरा लाडला, मेरा इकलौता, मेरी 31वीं गर्लफ्रेंड अपनी 7वीं माँ यानी कि मेरी 7वीं बीवी को आखिर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? ये ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? इसलिए मैं ये जहर पीकर मर जाऊंगा। नहीं नहीं डैडी, डैडी ऐसा मत करो। रुको रुको डैडी, मुझे मरना है। अगर नहीं है तो फिर हम दोनों साथ मरेंगे। बस करो यार, प्यार के लिए मर मिटने की ये भी कोई उम्र है क्या? बाप बच्चों के प्यार को रिजेक्ट करते हैं, पर अगर बच्चे बाप के प्यार को रिजेक्ट करेंगे तो फिर समाज क्या कहेगा? हाँ भाई, ये चश्मे से एकदम सही बोल रहा है। यार चुप करो। डैडी वो जहर मुझे दो। बिल्कुल नहीं दूंगा, अगर दे दूंगा तो तू अपना फैसला बदल लेगा। वैसे हम जा कहाँ रहे? घर पे। खंबा पड़ा है घर में। उस धोखेबाज लड़की के लिए मैंने टोटल पीना बंद कर दिया था। अब क्या करेंगे? तो खरीद लेते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5 10 फुल बॉटल्स खरीद ले। 10 फुल बॉटल्स गुजारा कर लेंगे। आदित्य गाड़ी रोको, सिगरेट दो जरा। डैडी को तो दारू चाहिए। मैंने सिगरेट मांगी है। साहब के लिए दारू, मेम साहब के लिए सिगरेट। ऊपर वाला इस टल्ली चर्सी जोड़ी को बनाए रखे। ए, इस लड़की को देख, कपड़े कम टट्टू ज्यादा दिख रहे ले। 10 फुल बॉटल्स विस्की बॉक्स में डाल के देना। मैडम पैसे, मैडम मैडम मेरे पैसे। हेलो मैडम, धंधा क्यों मंदा कर रही है? अगर जेब में पैसा नहीं है तो हम सबका दिल बहला के चली जाओ। ये क्या है? छोटा बड़ा जैसा भी हो धंधा धंधा होता है। इन कौड़ियों से तुझे कुछ तो मिल ही जाएगा, जा जाके बेच दे। चल रोकड़ा निकाल, जाके साधु को कह दे कमला लौट आई है। साधु भाई का नाम लेकर फ्री की दारू मत ले जा, मुझसे बोल नदिया बहा दूंगा। अपन का फंडा सुन ले, जब अपन को नींद नहीं आती ना तो अपन दूसरों की नींद उड़ाते हैं क्या? चलना फिर मेरी भी थोड़ी नींद उड़ा दे। तुझे तो मैं सीधे नर्क छोड़ के आऊंगी। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अरे ये गरम केटली शिमला मिर्च को कहाँ से लाए? ये है मेरी कमला, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। कमला का हमला? पूरी पिक्चर तो अभी कमला ने दिखाई कहाँ है। ये डॉनों की डॉन है, भाइयों की बहन है, गुंडों की गुंडी है। पूरा अंडरवर्ल्ड कमला का नाम सुनकर थर थर कांपता है। कमला की कमलागिरी देखकर अच्छे अच्छे भाई भाईगिरी भूल जाते हैं।
अभी नहीं उठेगा। चलो यस, अपनी अपनी बोतल उठा लो। दारू लाने के लिए दुकान क्यों जलाई? ये तो एक गिलास पानी के लिए कुआं खोद डालती है। वो तो दिख गया, कमला का हमला देख के मेरा सिर चकरा गया। साधु भाई, आज से आपकी दुकान बंद। देवराज की बेटी कमला वापस लौट आई है। वो आपसे अपने बाप की मौत का बदला लेकर रहेगी। मैंने एक आदमी को उसके पीछे भेज दिया है। मौका मिलते ही वो उसे टपका डालेगा। अगर तेरे आदमी ने उसे छुआ ना, उसका गेम मैं करूंगा। वो मरेगी तो मेरे हाथों। ठीक है भाई, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। आज तो नहीं बचेगा आदित्य। इतने दिनों से अंदर जो बदले की आग सुलग रही थी, आज ठंडी हो जाएगी। तूने मेरे प्यार का फायदा उठाकर मुझे यूज करके फेंक दिया। I will kill you आदित्य। आज तू गया काम से। वहाँ पर है। क्या क्या? वहाँ पर कोई तो है। किधर? उधर है। लगता कम भी है तूने। नहीं, वहाँ मैंने देखी अपनी आंखों से। चल अंदर। साधु इस तरह बौखला गया कि उसने अपने आदमियों को कमला को ढूंढ कर लाने का हुक्म दिया। तेरा घर है के शीश महल। I'm proud of you, my son. Daddy, इतना proud मत हो। ये घर इसका खुद का नहीं है, कंपनी ने दिया। लड़की के चक्कर में अपना घर नहीं बनाया, इसलिए ये घर है। I'm sorry, Daddy. Hello. Sorry की टांग पकड़ के क्यों रोता है बेटा? दारू, छोकरी और नौकरी परमानेंट नहीं होते, आते जाते हैं। ये सब मोह माया है, सोचने का नहीं, रोने का नहीं। वो कमरा किसका है? मेरा है डैडी। आज से मेरा है। आओ डार्लिंग, ऐश करते हैं। भाई, वो सब हॉलिडे अपार्टमेंट में गए हैं। बेस्टी, आज कौन सा डे है रे? 5 जनवरी मंडे। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बस कर। मेरे बेस्टी को अपने इकलौते बेस्टी का बर्थडे तक याद नहीं, मेरे डैडी को भी याद नहीं, लेकिन अंजलि को याद था। देखना कितना मस्त केक बनवाया। हाँ यार, टेस्ट करके देख लो। उसने सिर्फ केक दिया ना, मैं तुझे रापची गिफ्ट दूंगा। तेरी गर्लफ्रेंड तुझे तेरे बर्थडे पर छोड़ के गई ना, लेकिन तेरा बेस्ट फ्रेंड तुझे उससे भी बढ़िया गिफ्ट देगा। हाय। शैतान। अंदर आओ ना। बदमाश कहीं के। Where is the bedroom? Oh, ऊपर है, ऊपर। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन है ये? ये सीधे ऊपर जा रही है, कौन बुला रही है? उंगली दो तो हाथ पकड़ लिया। कुछ तो बता, ऐसे कैसे किसी को भी बुला सकता है तू यहाँ पे? तू अंजलि को भूल जा और पद्मा के साथ कदम बढ़ा। अब ऐसी गिरी हुई हरकत करके अंजलि को नहीं भूलना। अकेली है, अकेली है, मैं ही जाऊंगा, मैं ही देखूंगा। अरे वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। अरे चश्मेश, मेरे भाई जैसे दोस्त को गिफ्ट दे रहा है या श्राप दे रहा है? बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहता है। स्पेशल स्पेशल तो मैं हूँ ही, और आजकल सबको वैरायटी पसंद है। मेरे 50,000 गए पानी में। 50,000? आखिर मैं सबसे हटके जो हूँ। डैडी, ये सब क्या है? इश, आते वक्त हम अपने साथ कपड़े नहीं लाए थे ना, तूने जो बैग दिया था उसमें यही तो थे, तो मैंने पहन लिया। कैसी लगती हूँ? एकदम छिछोरे। अरे बेटा, ये तो एकदम लेटेस्ट फैशन है। वाओ, व्हाट अ फिगर। अरे डैडी, नहीं, बहुत झोले, बहुत झोले, वहाँ पे मत जाओ, ले जाओ। तो
तुमने पहले से ही किसी को अरेंज किया है तो मुझे क्यों बुलाया? ओए, तू कौन सी कंपनी से आई है? ए, मैं किसी कंपनी अपनी का गुलाम नहीं, आजाद पंछी हूँ। डैडी, छिछोरेपन की भी हद होती है। छोड़ो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये औरत के जिस्म में मरद तो नहीं? कब से यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। डैडी, ये कोई लड़की नहीं, लड़का है। ये भी औरत नहीं है, आदमी है। मतलब उसके पास वो नहीं, वो है। अरे बाल की खाल मत निकालो, इसको लेके जाए यहाँ से। चल चलो। What's happening? आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे इसने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए? अरे ये बेचारी भी अपने कपड़े नहीं लाई। तो फिर आपको आदमियों के और इसको औरतों के कपड़े पहनने चाहिए थे ना? ट्राई किया था पर फिट नहीं हुए। कमला मैडम तुम्हारी फ्रेंड है? मेरी फ्रेंड नहीं है, मेरे डैडी की गर्लफ्रेंड है। ओह, तो पुलिस आप ही को ढूंढ रही है? क्या पुलिस? ओह, एक बात तो बताई ही नहीं, कमला कौन है जानते हो? आपको नहीं पता? देवराज की बेटी। देवराज की बेटी है? अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े माफिया डॉन की बेटी? इस वक्त कौन टपका? अंजलि तो नहीं? अंजलि ने इस घर में कदम रखा तो मैं जहर पीकर जान दे दूंगा। नहीं, आप अकेले नहीं, अंजलि आएगी तो मैं भी ये पीऊंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों? छोड़ो, अरे बच्चों जैसी हरकत मत करो। कौन है, कौन है भाई, कौन हो भाई तुम? कमला मैडम के आदमी है। एक मिनट रुको भाई, मैं जरा। कौन हो तुम लोग? आदि आने दो इनको। चलो अंदर आ जाओ। कमला को मैंने कल बताया था कि आज तेरा बर्थडे है। मेरी जान बहुत इमोशनल है, इसलिए इसने तेरे लिए कुछ कीमती तोहफे मंगवाए। लव यू डैडी। सॉरी मैडम, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। रो मत पद्मा, अनजाने में गलती से तुझसे मिस्टेक हो गई। पैसे मायने नहीं रखते, तेरे यहाँ आने से जरूर इस घर में कुछ न कुछ शुभ होगा। सही कहा, अब आ ही गए हो तो दिल बहला के जाओ, दुआ दे के जाओ, खुश होके जाओ। मैडम बस आपने कह दिया ना, वैसे भी मेरा काम ही है सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना। चलो आज अदी के बर्थडे को यादगार बनाते हैं। हैप्पी बर्थडे। पद्मा भाई तुम्हें बुला रहे हैं। इस वक्त हम कहाँ? अपनी कार में, अपने शाही रथ में, एकदम हैप्पी हैप्पी। अंजलि वेड्स जयन। तूने कहा था तू अंजलि को भूल गया, तू तो उसकी शादी में ले। अबे चुप, बे चश्मीश। आदि जाने दे उसे। आदि कैसे हैं जोशी साहब? जी बढ़िया, आप कैसे? अबे ठीक से बैठ जरा। कैसे पहुंचा? फुल टाइट होके मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? हे,
चिल्लाओ मत, इस मासूम लड़के की अपनी बेटी से शादी करा के लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? अंजले बाहर निकल। तू जानता है यहाँ आना तेरे लिए सुसाइड जैसा है। करेक्ट बोला, ये एक सुसाइड बॉम्बर है, अलकायदा आईएसआईएस किस-किस कंपनी में काम करता है, यहाँ भी बॉम्ब लगाने आया होगा। पापा चलो। कैसे रे बेटा, है सिक्योरिटी? अभी से इनसिक्योरिटी होने लगी, अभी तो आपकी बेटी का कैरेक्टर सबको बताना है। ए मिस्टर, अंजलि के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। तेरे में हिम्मत है तो अंजलि को ले जाके दिखा, खाली फोकट मेरा टाइम वेस्ट मत कर। तू बिचारा मदन मोहन जी, देखा आपका जमाई कैसे मर्द की तरह धमका रहा है। अरे मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस स्टेशन जाकर तेरी कंप्लेंट करूंगा, मीडिया को बुलाकर तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा, बोलूंगा कि तूने अंजलि का रेप किया है और उससे शादी करने का झूठा वादा भी किया और प्यार के जाल में फंसाकर उस बेचारी को प्रेग्नेंट भी कर दिया। ए जगपति, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के बारे में कैसी बातें कर रहा है? आपके जमाई ने जो कुछ बोला है इतनी बुरी बातें तो मैंने भी नहीं की। क्या ढूंढ कर नमूना दामाद लाए हो, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार अपनी बेटी को बाहर बुला, उसके सामने दिल खोल के असलू पर चला जाऊंगा। ओए, ऐसे कैसे जा सकता है, साथ में अंजलि को भी लेकर जा। अच्छा, ए अंजलि बाहर निकल। अंजलि, क्या टाइम पर फोन किया है, रिचार्ज क्यों वेस्ट कर रही हो, बाहर आकर मिलो ना। कहाँ हो तुम? अच्छा, ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। अरे बाहर निकल। मैं पहले से ही बाहर हूँ। अरे बाहर हो तो मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? अच्छा बताओ तुम मुझे कहाँ पर ढूंढ रहे हो? शादी के मंडप में। अरे वहाँ क्या कर रहे हो, मैं इस वक्त अपनी शादी के मंडप में नहीं हूँ। तो कहाँ पे हो? मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा था। कब बोला? मैंने तुम्हें एक लेटर दिया था, तुमने वो पढ़ा नहीं। तुम वहीं रुकना, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ, ठीक है? चल चल मेरे घोड़े। जाओ अंजलि को लेकर आओ। मेहनत मत करो, मैं जा रहा हूँ। तेरे लिए नहीं बेवकूफ। बेवकूफ कौन बनने वाला है तो पता चलेगा। मुझे उंगली क्यों दिखाई तूने? अरे वॉशरूम पूछ रहा था। वैसे तुझे फोन किसका आया था? एक फ्रेंड के दोस्त का। अंजलि को लाओ। मैं इसकी आंखों के सामने अंजलि की शादी करूंगा, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अरे सुनो, अंजलि इधर नहीं है। तुम लोग कौन हो? हम लोग वो है जो अंजलि को किडनैप करने आए हैं। अरे निकलो यहाँ से। लेकिन क्यों बेटा, अंजलि को तो हमने किडनैप किया ही नहीं। अरे मुझे पता है अंजलि कहाँ पर है, जल्दी चलो यहाँ से। ए, पकड़ लो इन सबको, कोई जाने ना पाए। वेरी नाइस हॉर्स, इसकी पीठ के लिए बाम लेकर आता हूँ, वन मिनट। ये लो, इससे धुलाई करो। मारने के अलावा तुझे और कुछ आता नहीं है। सॉरी सॉरी जानू। अब गिरे हुए को उठा। Ah!
गंदे क्या खा गया है? उस गाड़ी में कमला क्यों डाले? आजा सो जा लोरी सुनाओ। I don't mind my mind. बहुत जल्द वो लड़की आपके पास होगी सर, इंतजार का फल मीठा होता है। अरे वो देख पद्मा, पीछा कर उसका बंसी, चल 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 जल्दी। ओह नो, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। ठीक है जल्दी लाइट का दरवाजा खोलो। अंजलि इज माय लाइफ। अंजलि के हम सभी इंपॉर्टेंट है। बच गया, मैं बच गया। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, नहीं मिली मंजिल। अब या तो हो जाओ अरेस्ट या खुद को करो किल। मम्मी, आदित्य यहाँ हो क्या रहा है और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? I love you ना अंजलि। शराब पी कर आए हो? सिर्फ इसने नहीं, हम सबने पी रखी है। अंकल बाहर कैसे आए? ये एक सुपर एडवेंचरस और थ्रिलिंग स्टोरी है। तुम कौन हो? मैं एक फुल टाइम चोर हूँ मैडम। चोर है? चोर? हाँ, एक बहुत ही काबिल चोर। और तुम कमला, नाइस मीटिंग। डैडी की गर्लफ्रेंड है। ये फुल टाइम अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने अब तक ओनली 20 खून किए। पुलिस और भाई लोग सब लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़े। और ये मेरे डैडी की गर्लफ्रेंड है, होने वाली बीवी भी शायद। अंकल की गर्लफ्रेंड? हाँ, मैंने प्यार किया। एवरग्रीन लव बर्ड्स, हाय नजर ना लगे। तुम कौन हो? मैं हूँ एक प्रोफेशनल गर्लफ्रेंड। आदि के बर्थडे पर इसका वन नाइट बेस्ट गिफ्ट है। क्या गिफ्ट? वो एक अलग स्टोरी है, फुर्सत में बताऊंगा। अभी बता दो कैसे तुमने काम तमाम किया। काम तमाम कर दिया? अरे काम तमाम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किया, दूसरे एंगल में मत सोचो। ओहो, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने क्या प्लान किया था और क्या हो रहा है? प्लान किया था कब? कुछ दिनों पहले किसी घटिया आदमी ने मेरे डैड को कॉल करके हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, इसलिए उन्होंने जयन के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। ये सब तो मुझे भी पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने नाटक किया कि मैं जयन के साथ शादी करने के लिए राजी हूँ और सामान वाले सूटकेसेस तुम्हें दे दिए। वही कपड़े तो मैं और डैडी पहन रहे हैं।
इडियट, शादी के बाद मुझे कपड़ों और बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? और इसीलिए तुमने मुझे दिया हुआ हर एक गिफ्ट मैंने सूटकेस में पैक करके तुम्हें संभालने के लिए दिया था। लेकिन भागने का प्लान बनाया था तो जैन से शादी करने का वेट क्यों किया? पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मेरे डैड बहुत स्मार्ट हैं। ज्यादा ही। शादी की बात उन्होंने मुझे लास्ट मिनट बताई और उसके बाद नो फोन्स नो फ्रेंड्स, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पा रही थी। सही टाइम का इंतजार किया और फिर मैं भाग निकली। रुक आदि, गाड़ी रोक। मैंने कहा गाड़ी रोक। बता दो हुआ क्या है। एक मिनट रुको। सुनो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मुझे नहीं पता था अंजलि तुमसे इतना प्यार करती है। अब पता चल गया ना? अब पता चल गया, पर बेहतर होता अगर इसके पापा को फोन करने से पहले मुझे पता चल जाता। मैंने ना तुम्हारे बारे में इसके पापा से बहुत सारा झूठ बोला है। मैंने बोला कि वो तुम्हारी लड़की को घुमा फिरा के छोड़ देगा। फोन करने वाले घटिया आदमी आप थे? हाँ, अपने बेटे को खोने के ख्याल से मैंने ये नीच हरकत की। रुको, रुको आदि, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। गाड़ी क्यों नहीं रुकता? कम से कम इस प्लान के बारे में मुझे तो बताया होता। जो लेटर मैंने तुम्हें दिया था उसमें पूरा प्लान लिखा हुआ था। सॉरी, उस दिन अंजलि के लेटर में जो लिखा था वो गलत पड़ा। जो असली लिखा हुआ है तू ही पढ़ ले। ऐसे मत देख यार, तुम मेरा बेस्टी है ना। अंजलि के डर से तुझे खो दूंगा इसलिए ये सब किया। आई एम रियली सॉरी यार। भाड़ मचाए तू और तेरा सॉरी। तुम सबने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। उतरो नीचे। क्या यार, हम सब अच्छे दोस्त है ना। ना तो किसी की बकवास सुनी है ना शक्ल देखनी है। चलो उतरो नीचे। ओके, लात मार के निकाल दिया। I'm sorry, Anjali. समझ नहीं आता मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को कॉल क्यों किया और उस स्टीव ने लेटर क्यों छुपाया। पर मुझे वो सब कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। I love you, Anjali. मैंने जो रिंग दी थी वो कहाँ है? उसे सेफ रखने के लिए दूर के बैंक के लॉकर में सेफ रख कर आया हूँ। एक भी निशानी नहीं चाहिए। इस थर्ड क्लास अंगूठी को भी फेंक देता हूं। वैसी सेम रिंग तुम्हारे पास भी है। स्टॉप द कार। प्लीज अंजलि, गलत फहमी हो गई थी। रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करते हुए मुझे ये रिंग पड़ी मिली। तुम कार रोकते हो या मैं कूद जाऊं? रुको, रोकता हूं। प्यार के लिए कभी कभी जिंदगी भर वेट करना पड़ता है। तुम्हें तो ये यकीन तक नहीं था कि मैं आऊंगी। अरे, एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि अंजलि ने ऐसा क्यों किया? एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अंजलि तुम्हें छोड़कर क्यों गई? बस तुमने पीना शुरू कर दिया और लड़कियों के साथ घूमना फिरना भी। मैंने ये रिंग तुम्हें कितनी प्यार से दी थी और तुमने उसे निकाल कर फेंक दिया। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अंजलि प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब मैं जाकर उसी लड़के से शादी करूंगी जो मेरे डैड मेरे लिए चुनेंगे। I hate you. Goodbye.
हेलो यारा। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे? तू हमें बीच सड़क में छोड़ के गया, तुझे क्या लगा हमें कोई नहीं पूछने वाला? क्या दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, पुलिस हमें यहाँ लाई है। ए, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। सर, देसी घी की मिठाई लाए हो ना? मिठाई बाद में खाना, पहले शेर सुन। खुशी ऐसी कि मन में ना समाए, चलो इसी बात पर पहले कुछ मीठा हो जाए। बड़ा मुँह खोल, लड्डू बड़ा है। सर बात क्या है? मुझे प्रमोशन मिला है, मैं ACP बन गया हूँ। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू राजा। तुम सब नहीं होते तो ये प्रमोशन कैसे होता? तुम भी मुंह खोलो राजा। हाथ खोलो ना सर, ताकि हम अपने हाथों से आपका मुंह मीठा कर सके। हाथ खोल दूं? तुम्हें पकड़ा तब जाकर तो मैं इंस्पेक्टर से ACP बना हूँ। कुछ भी, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस से आपको प्रमोशन मिल जाएगी। हा? सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव बोल के प्रमोशन का अपमान मत करो, बहुत बड़ा केस फाइल किया है। बड़ा केस? क्या बात है सर, अगर आज बड़ा नहीं तो कुछ भी नहीं। गॉडज़िला अगर 2 फीट की छिपकली होता तो क्या इतना बड़ा हिट होता? यानी मैंने जो कहा वो करेक्ट है ना? परफेक्ट सर। एक्चुअली बात यह है कि तुम रियल एस्टेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हो। हाँ सर। अब वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट बोला तो उसमें क्या बड़ा बोला? अगर बोला कि तुम अलकायदा के टेररिस्ट हो तो बात बनेगी ना। सर सर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, तुम जेब कतरे हो ना? अब अगर यही बोला तो उसमें कुछ बड़ा बोला क्या? लेकिन अगर तुम नेवी आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराकर टेररिस्ट को सप्लाई करते हो ये बोला तो बड़ी बात होगी ना। अरे बड़े बोल बड़े अनमोल, जस्ट इमेजिन। अब इसे कहां सेट करूं? ये जंगल के किसी जंगली जानवर जैसा लगता है, इसको परमानेंट केस में अंदर डालता हूं। सर मैंने पहले ही आपकी इतनी तारीफ कर दी, अगर मैं जंगली जानवर होता तो मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता राजा? इंडिया में टाइगर्स की गिनती कम होती जा रही है और वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बता, हिरन और लोमड़ी का शिकार कौन करता है? आज कोर्ट में बॉलीवुड स्टार्स पर केस चलते हैं तेरी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया। चंदन की तस्करी, हाथी दांत की चोरी, मर्डर, स्मगलिंग, इधर का माल उधर करना, यही नहीं टाड़ा फाड़ा और नाड़ा, तुम पर सारे केस चलने चाहिए। ओह माय गॉड, मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। कुछ करो वरना मुझे फांसी पे लटका देंगे। अबे ऐसे केस में सिर्फ 10 साल की जेल होती है, फांसी नहीं लगती। भाई ये तो बता, रेप के केस में फांसी होती है क्या? तो मैं तुझे लटकाऊंगा सीधा ऊपर। ये रेप का आइडिया मस्त है, लेकिन रेप का शिकार होगा कौन? सर कंप्लेंट लिखिए कि मेरा रेप हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर भी लिख लीजिएगा। ये लड़की कौन है? आई लव यू लेडी राजा। ये आदित्य एक नंबर का चीटर है, मासूम लड़कियों के साथ खेलना इसका पुराना शौक है। ओए! सर ये लड़की कौन है? मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा। आपने देखा ना सर, हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। एक ही अपार्टमेंट में? इसने मेरी फीलिंग्स का भी मजाक उड़ाया और मुझे अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर उल्लू बनाया। मैं तो सीरियस हो गई, लेकिन इसने मुझे इग्नोर किया। इग्नोर? पहले मुझे आई लव यू कहते कहते इसकी जबान थकती नहीं थी। और आज मुझे देखता तक नहीं है। मैं इस आदित्य को कभी माफ नहीं करूंगी। आयला, तुम इतने टाइम से चाकू लेकर यारा के 12 बजाना चाहती थी? अरे तूने इस लड़की को पहले कभी देखा है क्या? मैंने कहा था ना कोई तो है वहाँ पर। इस लड़की को छोड़ दो, कंप्लेंट लिख लो और जाने दो इसे। सर 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 प्लीज हमें जाने दीजिए। मैडम कंप्लेंट लिखवाना मत भूलना। प्रेस मीट पे ऐसे सही सलामत मत जाना, बॉडी पर जख्म और खून के निशान होने चाहिए। ऐसा केस करना कि 10-15 साल जेल में सड़े। साइको कहीं के कौन है तू? व्हाट एन आईडिया। ए कांस्टेबल्स कम ऑन, इन सबको अंदर डालो और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ। काहे को दूंगी। ये आफत की पुड़िया कौन है रे? यारा अपनी ये सिचुएशन देखकर मुझे एक कहावत याद आ रही है, आसमान से टपके और जेल में अटके।
सुन यार, अंजलि की याद आ रही है? उसको भूल जा यार, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। क्या किस्मत बे, अगर तूने उस दिन वो लेटर बदला नहीं होता तो अपना ये यार अंजलि के साथ में हनीमून मना रहा होता। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मुझे प्रवचन दे रहा, अब भी बताता हूँ तुझे। चलो क्या शोर शराबा चल रहा है इधर? हाँ सर। तू तो चोर है ना, तुझे तो ये लॉक खोलना आता ही होगा। खोल तो लेता यार, पर फिलहाल अपने हाथ में कोई पिन या ऐसी कोई चीज नहीं है ना। फंस गए। किसका बजा? वो क्या है, अफरा तफरी में फोन कहीं गिरना चाहे इसलिए मैंने उसे अपने पर्सनल लॉकर में रख दिया था। निकालता हूँ। ये लो। तू ही उठा, तू ही उठा। हाँ ठीक है, ओके। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी मौत। साधु, अबे मंत्र बोला तो तू गायब हो जाएगा। ए, काम की बात कर। तो काम की बात बोल रहा हूँ, अंजलि चाहिए क्या? अंजलि? अंजलि को मैंने किडनैप कर लिया है। क्या चाहिए तुझे? तेरे पास जो मेरी फैन है वो चाहिए। मैं कैसे मान लूं अंजलि तेरे पास है? तू नाम का साधु, असली नहीं। अबे मैं असली साधु हूँ, तुझे जादू करके बताऊं क्या? एक मिनट। हेलो, आदित्य बोल रहे हो? ये तो पद्मा है यार। हाँ सही कहा, मैं अंजलि हूँ। इन लोगों को पद्मा नाम की लड़की की तलाश है, इसीलिए मुझे पकड़ के अपने साथ ले आए। मैं कब से कह रही हूँ कि मैं अंजलि हूँ, फिर भी मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। ए, तू पद्मा है? पद्मा नहीं, मुझे कमला चाहिए। हाँ हाँ, जो अच्छा था, कमला का नाम बोल के पद्मा को पकड़ना चाहते हो और अंजलि को पकड़ के रखा हुआ है। हा? मैं अंजलि हूँ। पद्मा तुम नहीं, इन लोगों को असल में मेरी तलाश है, ये मेरी वजह से हुआ है। अच्छा, करेक्ट पद्मा, अगर हम कह दे हम तुम्हें नहीं जानते तो वो तुम्हें जाने देंगे। ऐसी बात है क्या? ए, चुप कर, क्या बकवास कर रही है? फोन दे। मैं अंजलि नहीं हूँ। क्या? अबे कद्दू, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ तो सुन ले, अगर तूने कमला को मेरे हवाले नहीं किया ना तो फिर इसे मार डालूंगा। हाँ अबे डफर की औलाद, जो तुझे करना उसके साथ कर ले, भाड़ में जा। क्या? नो रिस्पेक्ट? भाई की रिस्पेक्ट नहीं करी? ओह शिट। पद्मा को अगर सच में मार डाला तो? बिना वजह के वो कभी किसी को नहीं मारता। वैसे ये है कौन? बाद में बताऊंगी, मुझे वो नंबर दो जल्दी। हाँ पुलिस। मैं अंजलि नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। चुप, छोड़ दे इसको। कमला को पकड़ने के लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा। भाई सुनिए। हाँ बोल। अगर ये अंजलि नहीं है तो इसने पहले क्यों बोला ये अंजलि है? कुछ और भी तो बोल सकती थी। आदित्य से बात करने के बाद अचानक ही अंजलि से कुछ और बन गई। मतलब ये बचने के लिए कर रही थी? हाँ भाई, यहाँ से छूटने के लिए। हे, पकड़ उसको। अरे उसे ले आ इधर। मैं सच कह रही हूँ, मैं अंजलि नहीं हूँ। तो फिर येडे ने तुझसे फोन पर क्या कहा? यही कि मैं बोलूँ कि मैं अंजलि नहीं हूँ। मतलब तू अंजलि है? नहीं हूँ गधे। गधे, रिस्पेक्ट कर। सॉरी सर। अंजलि नहीं हो तो ये पहले बोलना चाहिए था, उससे बात करने के बाद क्यों बोला? हाँ मुझे डर था कि आप मुझे मार देंगे, इसीलिए मैंने अपना नाम अंजलि बताया। और मैं तुझे क्यों मारता? क्योंकि मुझे उठाने के लिए मेरे पीछे गुंडे आ रहे थे, वो सीनू भैया है ना, उनके छोकरे लोग। सीनू भैया, ये कौन है? हमारी मस्ती कंपनी के ओनर। कौन सी कंपनी? कंपनी जो देती है कंपनी। कैरेक्टर ढीला लग रहा है इसका। ए, इसको तुम लोग खर्चा पानी दो। खोपचे में। फोन को साइलेंट पे डालना। वाइब्रेशन मोड पे तन बदन डिस्को करने लगता है। डांस क्या कर रहा है? फोन उठा। हेलो। हेलो मामू, बता तो तेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ू, मोड़ू या फिर तोड़ू? ए, अपने कान में राई का तेल डाल के सुन ले, कल मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है। अब तक तो सुहागरात भी हो चुकी होगी। ये बोल रहा है तो मुझे क्यों मार रहा है? अगर तूने उस दिन लेटर बदला नहीं होता तो अब तक हमारा यारा शादी का लड्डू चक्कर डायबिटीज का शिकार बन गया होता। अरे यार, तुम लोग बार बार लेटर की बात क्यों कर रहे हो? जैसे कि उस लेटर की वजह से कटप्पा ने बाहुबली को मारा, मेरी ये गलती की वजह से मुझे मार रहे हो? समझ रहा है क्या? हेलो। अरे हीरो सुन तो मेरी बात, सुहागरात आज नहीं कल होगी, मजे से होगी, ठीक है ना? अरे बाप रे, मैं तो तेरी धमकी से डर गया। अबे तुझे जो करना है ना कल नहीं आज ही कर। यहाँ तो सब झोल चल रहा है, उसे पता नहीं तू कौन है। मुझे पद्मा चाहिए और वो उस आदित्य के पास है। तेरा आदित्य के साथ चक्कर चल रहा है, उसने तुझे किडनैप किया और फिर तुझे भगाने की कोशिश की, सही पकड़ा ना? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अबे ओए, मेरे साथ ना ज्यादा नौटंकी मत करना। तू रुक, मैं अभी तेरी ना उस आदित्य के साथ डायरेक्ट बात कराता हूँ। तू उसके भेजे में सारा मामला घुसाएगी, उसको बोलेगी कि हम तुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे तो बस पद्मा मेरे पास चाहिए, पद्मा इन और तू आउट, समझ में आया? ये पद्मा कौन है? पद्मा कौन है? वो तो बहुत खूबसूरत लड़की है। छी छी, ब्रेकअप के एकदम बाद
उसने ये सब शुरू कर दिया। उसको फोन लगाओ, चलो जल्दी। आदित्य तुम जानना नहीं चाहते मेरे साथ क्या हुआ? बद्दू ओ डफर, वो लड़की तुम्हारे पास है क्या? क्या तुम कमला की बात कर रही हो? कमला, ये तुम कितनी लड़कियों को जानते हो? कमला को मिला के तीन। क्या कहा, एक साथ तीन लड़कियों को डेट कर रहे हो? ए, दिमाग तो ठीक है, मुफ्त की पी के बैठी है क्या? अंजलि की तरह बात क्यों कर रही है? और तुम भी आदित्य की तरह कहाँ बात कर रहे हो? अरे अंजलि बनने का नाटक मत कर, फंस जाएगी। डफर, अंजलि का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हो। अरे बोला ना, उनसे कह दो कि हम तुम्हें नहीं जानते, वो तुम्हें छोड़ देंगे। पर ये मुझे तभी जाने देंगे जब तुम इन्हें पद्मा दोगे। नहीं दे सकता, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको वहाँ भेजा तो मेरे पापा गए। अगर ये रेप की बात सच हो गई तो? अरे तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है, रोज का तो है। हेलो आदित्य, अगर मदन मोहन सर उनकी बेटी को लौटाने के लिए कहें तो क्या मांगोगे? अरे कौन मदन कौन मोहन, क्यों फोन कर रहे हो, क्यों पका रहे हो मुझे? आंसर टू माय क्वेश्चन, अंजलि की कीमत 100 करोड़ चाहिए। क्या कहा, 100 करोड़? समझ गया। हे, फोन मुझे दे। शाबाश आदित्य, अब तेरा असली चेहरा सामने आ ही गया। अंकल छी, खबरदार जो मुझे अंकल कहा। अंजलि को किडनैप करके कहां ले गया है? किडनैप? नाटक मत कर, अभी तूने पैसे मांगे और अब भोला बन रहा है। किडनैप? ज्यादा मासूम मत बन। अरे बेटा। डैडी। मनु सुन, इनको लगता है कि हमने इनकी बेटी को किडनैप किया है। अंजलि को लेकर आ, मैं तेरी उससे शादी करा दूंगा। अब आप वहाँ कैसे पहुँचे? ये मुझे सड़क से उठाकर यहाँ ले आए, धुलाई भी बहुत की। डैडी, हे, अगर तूने चुपचाप मेरी बेटी को मुझे नहीं सौंपा तो तेरे बाप को मार डालूंगा, और अगर अंजलि को लौटा देगा तो फिरौती के पैसे भी दे दूंगा। अब तक मुझे यकीन नहीं था कि अंजलि किडनैप हुई है। तेरी बेटी को तेरे पास लेकर आऊंगा, और पैसों के लिए नहीं, अपने डैडी के लिए। तब तक मेरे डैडी का अगर एक बॉल भी बाका हुआ तो तेरी खाल खींच के उसका पोछा बना दूंगा। ये मेरा शेर आदित्य। डैडी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तेरा बेटा नहीं बचेगा। बचेगा भी कैसे, तेरा दामाद जो बनेगा। मनु का किडनैप हुआ है। डैडी को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अंजलि। समझ में नहीं आता उन सबको एक साथ कैसे उठा लिया। एक्सीडेंट के वक्त जब पद्मा गाड़ी से उतरी तो साधु कमला समझ के पद्मा को अपने साथ ले गया। मेरे डैडी सड़क पर खड़े थे, तब अंजलि के पापा के आदमी उन्हें अंजलि समझ के ले गए। नरसिम्हा जो कि पद्मा के पीछे पड़ा था, वो और उसके लोग अंजलि को उठा के अपने साथ उसके अड्डे पर चले गए। आदि, क्या सोच रहे हो? डैडी को छुड़ाने के लिए अंजलि को पापा के हवाले करना होगा, अंजलि को छुड़ाने के लिए पद्मा की कुर्बानी देनी होगी, पद्मा को छुड़ाने के लिए मुझे तुम्हें साधु के पास ले जाना होगा। तुम्हें साधु के हवाले कर दिया तो पापा को क्या जवाब दूंगा? इतना सोचो मत आदि, मुझे साधु के पास ले चलो। साधु तुम्हें मार डालेगा कमला। तो मर जाऊंगी। डैडी के लिए मरने को तैयार हो? तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं। हाँ बोल। सुनो ना गुरु भाई डार्लिंग, अबे कोई एक बोल। हाँ भाई, आपने जिस लड़की को किडनैप किया वो मेरी गर्लफ्रेंड है, प्लीज उसे कुछ मत करना। पर तूने ही तो कहा कि वो अंजलि नहीं है। पर वो अंजलि है। क्या कंफ्यूजन है यार, उसने ही बोला कि उसका नाम पद्मा है। पद्मा? ओ शिट, ये किसको फोन लगा दिया? ए, कमला को इधर लेकर आएगा कि नहीं? कमला चाहिए, भीख मैं भी नहीं दूंगा। भिखारी, इतने सारे नंबर जमा हो गए कि कंफ्यूज हो गया हूं। ये वाला ट्राई कर। ये देखो कुंभकर्ण की बहन, लगता है कई दिनों से सोई नहीं है ये। पानी मार के उठाऊं क्या? और क्या, थूक मार के उठाएगा, पानी फेंक। उठ गई, उठ गई, सोनपरी उठ गई। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चुप कर, चुप कर। ओवर एक्टिंग, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है। तेरी फ्रेंड पद्मा अब तक यहाँ पर नहीं आई है, तो क्या हुआ, तू भी तो पद्मा से कुछ कम नहीं। गलत टाइम पे नेटवर्क लग गया, ये लड़का फिर से क्यों फोन करा? हेलो दादा, भैया, गुरु, डार्लिंग। बोतल में उतर रहा है छोकरा, सुहाग रात कैंसल। थैंक्स दादा। क्या रे, बात क्या, जल्दी बोल, मुंह खोल। जिस लड़की को आपने किडनैप किया वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है। ते, मैं अब तक क्या फ्रेंड्स में बोल रहा था? पहले मुझे लगा कि आप टाइम पास कर रहे हो। ए! दादा, मैं कमला को आपके हवाले कर दूंगा, बस मेरी अंजलि को लौटा दो। ये कमला कौन है? मुझे तो मेरी पद्मा चाहिए। ओ तेरी, बिना बोले फोन काट दिया। इसका मतलब दादा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। कैसे रे? प्रोग्राम शुरू करते हैं। अरे हाँ, वो कौन सा गाना था? सुहाग रात है। क्या हुआ दादा, आपकी गाड़ी में ब्रेक क्यों लग गया? वो आज बहुत थका हुआ हूँ ना, बहुत ज्यादा काम कर लिया है मैंने, ऊपर से खाना भी नहीं खाया। उस चाहिल का फिर से फोन आ रहा है, उठाऊं क्या?
हेलो दादा भैया गुरु चेले ज्यादा रिश्ता मत बना। फोन उठाते ही बहुत प्यार से बात करता है, उसके बाद सटक जाती है तेरी। पहले क्या पागल खाने में था तू? भाई भाई सॉरी भाई। तो अब मान क्यों नहीं जाता कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं वो नहीं है भाई। अबे तेरे दिमाग का इलाज करा। अरे सुनो मेरे भाई, वो अंजलि हो या पद्मा तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कमला चाहिए कि नहीं? कमला चाहिए हाँ। तो बस मैं तुम्हें कमला दे दूंगा, तुम मुझे पद्मा दे देना। किधर हूँ? तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो यार, मैं खुद आ जाऊंगा। बहुत चालू है, मेरा अड्डा देखना चाहता है। मुझे कुछ नहीं देखना है, बस मैं कॉल करके बताऊंगा कि हम लोग कहाँ पर मिलने वाले हैं। का शेर जाग गया, तुझे छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? जाने दो भैया, प्लीज मुझे जाने दो। दादा प्रोग्राम शुरू करो ना। प्लीज भैया, सॉरी भैया, प्लीज 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 मुझे जाने दो। प्लीज भैया 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 बोल के मेरे कान पूरी तरह पका दिए हैं। अब थोड़ी देर चुप रहे। फोन 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 आया। नेटवर्क इंडिया में स्ट्रांग है। अबे सुन ले दादा, गुरु भाई बोलने से कुछ नहीं होगा। तो तुझे लुखा था? अकेला दिमाग से पैदल बोलूं? लुखा प्यार से बोला। देख तुझे तेरी पद्मा तो मिल जाएगी, लेकिन अगर अंजलि के शरीर पे हर रोज भी आई तो तुझे नोच के फाड़ दूंगा। जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे बचाओगे सबको? बचाऊंगा, बचा के ही रहूंगा। मैं तुम्हें पद्मा, डैडी, अंजलि, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? पर मुझे कौन बचाएगा? तुझे क्या हो गया? मम्मी मरी गई हो। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत अनाथ हो जाएगा। लेकिन कहाँ? क्या? लेकिन बात क्या है आदि? मैंने जहर पी लिया था, मुझे हॉस्पिटल ले चलो सर। कब जहर पिया और क्यों पिया? सोने से पहले सर, प्लीज खोलिए। अरे खोलो, सोच क्या रहे हो? खोलो खोलो। मैं मरना नहीं। कब हुआ आदि? तुमने कब और कौन सा पॉइजन पिया? डैडी का पॉइजन। क्या बोल रहे हो? अच्छा वो पॉइजन? थैंक गॉड वो पॉइजन नहीं था। पर डैडी ने कहा था। हाँ कहा था। क्या उन्होंने झूठ कहा था? सच कहा था। इस लड़के ने पॉइजन खा लिया। अरे वो आदि के लिए पॉइजन नहीं है। अरे पर एक इंसान के लिए पॉइजन दूसरे इंसान के लिए पॉइजन कैसे नहीं हो सकता? वो सिर्फ शुगर सिरप है। शुगर सिरप था, इसीलिए मैं अब तक जिंदा हूँ। लेकिन शुगर सिरप इसके डैडी के लिए पॉइजन कैसे? वो एक शुगर पेशेंट है। इसका मतलब है किसी ने पॉइजन वॉइजन नहीं लिया? नहीं सर। चलो मेरी जान छूटी, अब चलो अंदर। सर एक बार बाहर आ गए तो वापस अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा है। दिमाग खराब हो गया क्या? उतना ही जितना आपका नकली मेकअप सर। टॉप क्वालिटी मेकअप है। ओरिजिनलिटी होती तो मजा आता। चोट नकली है तो मेकअप डुप्लीकेट नहीं तो क्या ओरिजिनल होगा? हम है ना, अभी डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना देते हैं। आइए उन्हें जाने दीजिए सर, ऐसी धुलाई हुई है, आपके चेहरे का मेकअप वैसे का वैसे ही। अबे ये ढक्कन, ये ओरिजिनल खून है। सर, क्या हुआ? मेरी खोई हुई कार का कुछ पता चला क्या? रिकवरी व्हीकल के बारे में पीछे जाके पूछो। तुम्हें इस कार को छूने नहीं दूंगा। कौन सी कार? ये मेरी नहीं, कविता की कार है। अरे क्यों बताया उसे? चलो। अरे रुक जा, काफी टाइम से सेटिंग कर रहा हूँ कविता के साथ में। गाड़ी ले जाके तो मेरी सेटिंग बिगड़ जाएगी। अरे रुक जा, मेरी सेटिंग मत बिगाड़ रहे। ओए मेरे पठान, मत ले मेरी जान। ए, कार लेकर वो लोग कहाँ गए हैं? एक्चुअली वो कार मेरी है सर। तो पुलिस स्टेशन से भागने में उन मुजरिमों की मदद तूने की है क्या? चलो बॉयज उठाओ इसे और मारना शुरू करो। हाय कमला दीदी आ गए। ए, चलो रे। तुम सब ठीक हो ना? आप उन लोग ठीक है, आपको देखा तो दिल को चैन और मन को करार आ गया। साधु को आपका पता नहीं चलने देंगे दीदी। दीदी मत बोल, पता चल गया है। अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे शाणे तू इधर कैसे? कमला इसके पापा की गर्लफ्रेंड है। इसके किसके? इसके पापा की। फिर तो सही जगह पे हाथ मारा है। ये कमला और साधु के बीच में टेंशन क्या है? लफड़ा दीदी के पापा देवराज और साधु में था। साधु को लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट में देवराज भाई के साथ कमला भी मर गई, लेकिन कमला दीदी को जिंदा देखने के बाद साधु को ये लगता है कि वो उससे बदला लेने के लिए आई है। What the hell? मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम आदित्य का गेम ओवर करोगे, लेकिन वो आदित्य तुम्हें ही ठेंगा दिखाकर भाग गया।
नॉर्मली हमारी चंगुल से क्रिमिनल्स जेल तोड़ के भागते हैं, लेकिन एक बेकसूर लड़का चूरन दे के भाग गया, ये मेरे करियर में पहली बार हुआ है। इम्पॉसिबल, कमला को सौंपे बिना पद्मा को कैसे बचाओगे? हाँ, पद्मा को सौंपे बिना अंजलि को कैसे बचाएंगे? और हाँ, अंजलि के बिना अपने बाप को कैसे बचाओगे? सब होगा, पर पहले पता लगाना होगा कि नरसिम्हा को पद्मा क्यों चाहिए। कहाँ जा रहा है? पद्मा की स्टोरी पता करने। अरे यार, बेचारा चैन से खा भी नहीं पा रहा और हम तीनों ठूस रहे हैं। हम तीनों को उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने खास दोस्तों को बुलाता हूँ। रमेश, तू भी अपने दोस्तों को बुला ले। करेक्ट बोला मामो। क्या हाल है मल्लेश भाई? सब ठीक है भाई। चार मीनार से लेकर चोर बाजार तक सारे झोलर, टपोरी, मवाली, गुंडे, बदमाशों को फोन लगा और ज्योति लक्ष्मी जनता बार आने को बोल। क्या बात है भाई, किसी की शादी है क्या? शादी नहीं है बे, उससे भी बड़ा झोल है। सबको उधर आने के लिए बोल। हेलो जॉन। यस माय फ्रेंड। आज स्वयं ईश्वर चाहते हैं कि हम हमारे दोस्त आदित्य की मदद करें। ईश्वर तुम्हारी मदद करें। आप सारे भाइयों को जमा करो, ट्रक में भरो, बिना वक्त गवाए ज्योति लक्ष्मी जनता बार में मिलो। श्योर स्टीव, जीसस हमारे साथ है, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय सन। सुन मेरे भाई, कहाँ है तू? ऑन ड्यूटी भैया। अपनी पूरी चोर गैंग को लेकर ज्योति लक्ष्मी जनता बार में आना, मुझे कुछ काम है। सुनो सुनो, ब्रेकिंग न्यूज। वो सब ज्योति लक्ष्मी जनता बार में जा रहे हैं, हमें पक्की खबर मिली है। जल्दी से अपना गेटअप बदलो और तैयार हो जाओ। बार में कुछ कस्टमर लड़कियों पर फिदा हो जाते हैं, वैसे ही कोई अपनी पद्मा पर भी लट्टू हो गया। पद्मा पर? हाँ सर, कल रात उसके आदमी लोगों ने मेरे को धोया। माफ करना सर, मैंने उनको बोला था कि पद्मा आपकी। उसकी टेंशन मत ले, तू बस ये बता कि वो पद्मा से चाहता क्या है। ये तो मेरे को भी नहीं पता है साहब। एक टाइम पे दोनों लैला मजनू थे, पर अब वो लैला को लुड़काने को देख रहा है। हाँ हेलो। सुना दी, जल्दी ज्योति लक्ष्मी जनता बार में आ जा। जनता बार किस लिए? अरे आना, पता चल जाएगा। आदे ये सब क्या है स्टीव? ये सारे अपने दोस्त हैं। डैडी, अंजलि, पद्मा, सबको बचाने के लिए ये सारे दोस्त कह के मदद करेंगे। मुझे पता था, चिंपैंजी जैसा मुंह बना के मेरा गधा बोझ बढ़ाएगा। आ जाओ बेटा, गले लग जाओ। आप देखा, माय डियर वॉरियर्स, रामानंद सागर की रामायण में हम सब ने देखा था कि भगवान राम ने वानर सेना की मदद से सीता मैया को बचाया था, पर वो लड़ाई सच्चाई के लिए थी। लेकिन ये सेना मुझे नहीं जानती, ये तक नहीं जानती कि यहाँ पर बुलाया क्यों गया है। पर तुम सब ने सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है, सलाम है तुम सबको। इसलिए तुम सबके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। चिल बियर पियो और खूब धमाल करो। पियो और जियो, एंजॉय। सॉरी भाई, मुफ्त की दारू और पड़ोसी की जोरू किसी को हजम नहीं होती। आपने सारी सेना सो गई है। मैं कोई राम नहीं हूँ जो इस सेना के लिए तीर कमान लेकर युद्ध के लिए जाऊंगा। ना वो रावण है और ना ही रामायण चालू है। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि और डैडी को कैसे बचाऊं। हाँ, तू वहाँ लड़ने जाएगा, हम यहाँ चकना चाहते हैं। अपनी हालत देखी है ना, अब तो उन्हें बचाने के लिए सॉलिड प्लान बनाना ही पड़ेगा। बनाओगे तो बताओगे भी ना। वही तो बता रहा हूँ, बस गौर से सुनो। वेट वेट, तुम सबको रॉक हाइट्स एरिया पता है ना? सबको वहीं बुलाएंगे। प्लान के लिए एकदम धांसू जगह है। हम सबसे पहले साधु को फोन करके पद्मा को ठीक 11 बजे रॉक हाइट्स रोड नंबर 1 पर लाने के लिए कहेंगे। एक हाथ हम पद्मा लेंगे और दूसरे हाथ उनको कमला सौंपेंगे। जैसे ही कमला साधु के पास पहुंचेगी, कमला के आदमी साधु पर अटैक करेंगे। उसके बाद हम फोन करेंगे नरसिम्हा को, ठीक 11:30 बजे उसे लेन नंबर 2 पर बुलाएंगे। कमला और तुम नरसिम्हा पर अटैक करोगे और इस तरह हम पद्मा और अंजलि दोनों को बचा लेंगे। ए, क्या कर रहा है तू? तेरे प्लान को डिटेल में लिख रहा हूँ मैं। नॉटी फेलो। देख, टाइम बिल्कुल बराबर लिखना। जे, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं फाइटिंग में कच्चा नींबू, इसलिए प्लानिंग इंचार्ज बनूंगा। इंचार्ज छोड़, पहले इंसान बन। नेक्स्ट, अंजलि के पापा को फोन करूंगा, उनको उनकी बेटी दूंगा और अपने डैडी को अपने साथ ले जाऊंगा। तो अंजलि के बाप को ठीक 12 बजे रोड नंबर 3 पर बुला लेना। तो अपनी अंजलि को जाने देगा? कुछ लव स्टोरी सिर्फ यादें बन जाती है, जिंदगी नहीं बन पाती। भैया पहले कैसे चटपटा चकना था, अब नरम पापड़ हो गया। यारा के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हम क्या करें? हमें अभी इसी वक्त इस प्लान पर अमल करना होगा। बोल राजू, जल्दी बता प्लान क्या है। भाई ने किसको फोन लगाने को बोला, जल्दी बता। सबसे पहले उस मदन मोहन के बच्चे को कॉल लगा तू। मदन मोहन? यहाँ तो इतने सारे फोन नंबर है, किसको लगाऊं? पीछे से 3रा नंबर उसका ही है। हेलो हेलो,
क्यों बे, तमीज से बात करनी नहीं आती क्या? ए, तमीज को तो मैं कमीज की तरह फाड़ देता हूँ। चुपचाप रात के 11:30 बजे रॉक हाइट रोड नंबर 1 पर डैडी को लेकर आ। डैडी को वहाँ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर वटक ले। ये प्लान उसने बनाया है ना? हाँ बिल्कुल, तो उसने प्लान बनाया और अपुन ने तेरे को बताया। मैं जानता हूँ तुम बाप बेटे एक नंबर के फ्रॉड हो। जब तेरे को सब बात पता है तो दिमाग की दही क्यों कर रहा है? चिल्लाना बंद करो और 11:30 बजे आ जा। सुन, काट दिया। नेक्स्ट कौन है? साधु। हेलो साधु, बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं भी रमेश यादव बोल रहा हूँ। यादव? राजपाल यादव? राजपाल यादव को छोड़, रमेश यादव बोल रहा हूँ, तेरा बाप। hey! ए, किसको बोला बे? अपुन इज्जत से बात कर रहे ना, तो तू भी इज्जत से बात कर। तूने कॉल क्यों किया ये बता। रात को 12 बजे लड़की को अपुन के हवाले कर, रॉक हाइट्स रोड नंबर 3। लड़की दे और कमला ले जा। प्लान किसका? प्लान तो भाई ने बनाया, लेकिन डिलीवर कर रहा है रमेश यादव। हाँ अगला कौन है? हेलो कौन है बे? तू कौन है बे? मैं नरसिम्हा बोल रहा हूँ। रात को ठीक 11 बजे रॉक हाइट्स पर रोड नंबर 3 पर आने का, अंजलि को वहाँ छोड़कर तेरे को जो मांगता है वो लेकर जाने का। ए, 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 जरा रुक रुक, क्यों बे? आदित्य की जगह मुझे फोन करने वाला तू कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, हिम्मत की बात मत कर, मेरा बैलेंस कट रहा है, चल फोन रख। हो गया कंफ्यूजन शुरू। इस बेवड़े रमेश ने आदि के अच्छे खासे प्लान की ऐसी पुंगी बजाई कि प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बल्कि राय का पहाड़ बन गई। जिस साधु को आदि ने 11 बजे बुलाया था उसको यादव ने 12 बजे आने को कहा। नरसिम्हा को आदि ने 11:30 बजे बुलाया था जबकि टल्ली टुन यादव ने उसको 11 बजे बुलाया। और आखिर में अंजलि के पापा जी मदन को आदि ने 12 बजे बुलाया था, उसको रमेश यादव ने अब 11:30 बजे आने के लिए कहा है। एक मिनट यार, तेरी हालत ऐसी है कि दारू को भी तुझे देख के नशा चढ़ जाए। क्लाइमेक्स का टाइम है, ऑडियंस को कंफ्यूज मत कर, मैं फोन करता हूँ। लास्ट डायल मतलब नरसिम्हा का फोन, ठीक है। हेलो 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 सर, मैं प्लानिंग इंचार्ज बोल रहा हूँ। प्लान में थोड़ा चेंज है, 12:30 आगे मतलब 11:30 बजे पहुँचना है, ठीक है। hey, 10-10 मिनट में फोन करके 1/2 घंटा आगे बढ़ेगा क्या? काट दिया तेरी तो। उसके बाद मदन मोहन होगा। ना करे। सॉरी अंकल, बकवास कम काम जाना। बकवास? मैं बकवास करता हूँ? प्लान में चेंज है, डैडी को ठीक 12 बजे लेकर आ जाना। डैडी? अबे किसका डैडी? जो आपके पास है। ये गधा? डैडी को गाली नहीं देते। डैडी का गला सूख रहा होगा, जल्दी से ठंडी बियर पिला दो। ये जरूर साधु होगा। हेलो 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 साधु। साधु क्या बक रहा है, मेरे साथ गेम खेल रहा है? सर आप सेम जगह पर 11 बजे पहुंच जाना, ओके? पहले तूने 11:30 बजे आने के लिए कहा और अब तो 11 बजे आने को बोल रहा है। यहाँ कोई टाइम पास चल रहा है क्या? नहीं सर, हमारे पास टाइम नहीं है जो पास करे। तू पागल हो गया क्या? हेलो, फोन काट दिया। इसको बोलते प्लानिंग। करेक्ट किया है ना? मैं प्लानिंग इंचार्ज हूँ, मेरा प्लान गड़बड़ नहीं होता। एक बात कहूँ, ये फोन लास्ट डायल नंबर फर्स्ट बताता है और फर्स्ट डायल नंबर को लास्ट बताता है, चेक कर लेना तुम। उई मां, मुझे लगा था लास्ट वाला फर्स्ट है। यानी तूने आदित्य के प्लान का भाजीपाला कर दिया। आदित्य आ गया, बाद में बात करते हैं, बाद में, ओके? रमेश यादव ने तो आदि के प्लान का सिर्फ बैंड बजाया था, स्टीव ने तो पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा डाला। यानी साधु को आदि ने 11 बजे बुलाया, यादव ने 12 बजे आने को कहा और अब स्टीव ने 11:30 बजे आने को कहा। नरसिम्हा ने आदि को 11:30 बजे बुलाया था, यादव ने 11 बजे और अब स्टीव ने 12 बजे। इस बात से नरसिम्हा कंफ्यूज हो गया कि उसे कहां जाना है और कितने बजे जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंजलि के पापा जिसे आदि ने 12 बजे बुलाया, रमेश यादव ने 11:30, उसे अब स्टीव ने 11 बजे रॉक हाइट्स पर आने के लिए फोन कर दिया था। हो गया कंफ्यूजन शुरू। कुछ ना कुछ कर लेंगे, टेंशन मत। यार किसी ने मेरा फोन देखा? ये लो। थैंक्स। पहले किसको करें? स्टीफन ने सबको फोन पे प्लान समझा दिया है। मैंने क्या किया? पहला कॉल तूने किया था। मैंने सही बोला था, तुझे प्लान करना नहीं आता, तेरा प्लान गलत था। बोला ना मैं सही था। साधु को पहला फोन करने कौन बोला? इसने बोला। मैंने? अरे पहले उसको नहीं, मेरे प्लान के। चुप करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब खेल है? तुम तीनों ने मेरे प्लान की बैंड बजा दी है। मर गए। अरे ये क्या है यार, तूने तो कुछ लिखा ही नहीं। वो मैं ना ये हूँ। तू अंगूठा छाप है? यार कहाँ फंस गया? सॉरी भाई, लोचा तो हो गया लेकिन। तुम लोग मत सोचो, मैं देखता हूँ क्या करना है। SMS करता हूँ। मैसेज ध्यान से करना। ये हमारे साथ गेम खेल रहा है। hey! तेरे बेटे ने पहले मुझे 12 बजे बुलाया, फिर फोन करके 11 बजे और अब SMS कर रहा है कि 11:30 बजे आओ। hey, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो सामने आया तो मैं गोली चला दूंगा, मेरी बात सुन। हाँ भाई। इस बुड्ढे को उसके हवाले कर दे और मेरी बेटी को लेके आ। ठीक है भाई। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो इन बाप बेटे को ठोक दूंगा। प्लान में चेंज है, 12 बजे रॉक हाइट पहुंचो। ये आधी शाड़ा है,
अगर ये शाणा है तो मैं डेढ़ शाणा हूँ। 2.5 किलो का तो मेरा से बाया हाथ है और मेरा मोटा दिमाग 2.75 किलो का है। एक आइडिया है, उसके बताए गए टाइम से पहले ही जगह पहुँच जाते हैं। इतने कपड़े तो लड़कियां भी नहीं बदलती जितना ये आदित्य टाइम बदलता है। असली प्लान का पता लगाने के लिए हमें टाइम से पहले पहुंचना है। एक अंजे, एक घंटे पहले यानी 10 बजे पहुंचा। ठीक है। इसी के साथ शुरू हुआ अदला बदली यानी एक हाथ दो एक हाथ लो का सिलसिला। साधु के आदमी बुर्का पहनाकर पद्मा को अपने साथ ला रहे थे। अंजलि के पापा मदन के आदमी आदि के डैडी को बुर्का पहनाकर रॉक हाइट्स की तरफ निकल रहे थे। वहीं नरसिम्हा अपने साथ बुर्का पहनाकर अंजलि को ला रहा था। तीनों के साथ अलग अलग इंसान थे लेकिन सबकी मंजिल एक थी यानी रॉक हाइट्स। अब ये कहां से टपक पड़ी? दिमाग का भजिया करती रहती है यार। पता नहीं इसके साथ क्या कनेक्शन है मेरा। अब क्या करें? प्लान को चेंज करना पड़ेगा। नमस्ते सर। यार किसी को आने मत दो। कुत्ते को भी आने नहीं दूंगा सर। आज की रात का इंतजाम हो गया। वाओ, क्या बंदोबस्त किया है। गाड़ी में सुहाग, रात नौटी। इस पल का मैं कई जन्मों से इंतजार कर रहा था। घबराओ मत, तुम रेस जीतोगे बेबी। अब कविता तुम्हारी है, तुम इसे पढ़ो गाओ या गुनगुनाओ। मैं तो इसे दिल में बसा के रखूंगा। हाँ? अब इस रस्सी से और टाइट करो ना बेबी। भैया हाँ, गाड़ी ए, गाड़ी रोको। ए, रुक रुक बे। आदित्य आजा। आदित्य की जगह उजड़ा चमन क्यों आया? अपन भी बॉस के बिना आए हैं ना, वैसे ये आ गया। आदित्य उसको भेज। लल्लू समझा क्या? पहले तू भेज। बचपन से गुंडागर्दी कर रहा हूँ, पहले तू भेज। हे कपूर, क्या रे, खुद को तार से समझ रहा था ना? Come on now, baby. जरा मुंह खोलो। शटर बंद। सुनो भाई, मैं इसको भेजता हूँ, तू उसको भेज। ए, भेज रहे। हाँ ठीक है, भेज रहे। चल जा, संभल के जा। साधु के आदमी पद्मा को लौटाकर कमला को लेने आए थे, जबकि मदन के लोग आदि के पापा को लौटाकर अंजलि को साथ लेने आए थे। हुआ क्या? अब साधु के आदमियों के पास कविता थी और मदन के लोगों के पास पद्मा। ए, जा उसको लेकर आ। चलो गाड़ी में बैठ। गाड़ी निकाल। ए, वो उस तरफ जाने लिए। और आदि के पापा? आइला, वो तो कपूर की गाड़ी में, यानी गोलमाल नहीं पूरा झोल झाल है। जल्दी भाग और उसको पकड़। गाड़ी बनती है, चल चल चल, बैठ अंदर। गुंडे यहाँ से निकल लिए। बेटा कपूर, अब अपना नाइट शो शुरू करो। आज तो जलसा है मेरी जान। तुम्हारे अंदर की हवस बाहर आ रही है, और आने दो उसे मेरी जान। अरे जान, मुझे एक प्यारा सा किस दे दे रहे। किस मांगा था, ये तो मार के चली गई। कहाँ जा रही है तू? आज तो बच गया रे इस चटकी से। हेलो साधु भाई, अपने को लड़की मिल गई। आ रहा हूँ मैं उसका गेम ओवर करने। अब कलेजे को ठंडक मिलेगी। भाई ये कौन है? हाँ। मैं कविता हूँ। कपूर कहाँ है और तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ? तू कहाँ से आ गई? अरे कपूर कौन है? आदित्य के लिए काम करता है। आदित्य कपूर का जूनियर है। कपूर आदित्य का बॉस है एक्चुअली। और पकड़ ली। ए, जल्दी बता कहाँ है तू? बड़ा वाला झोल हो गया भाई। ये लड़की कमला नहीं, कोई कविता है। कविता कौन है? अपने को क्या पता, लगता है आदित्य की कोई बड़ी गैंग है भाई। अपन ने उसको कम आका, अभी पता चलाया कि उसका कपूर नाम का एक बॉस है। hey, मैं कमला की बात करूं और तू कविता की माला जप रहा है, डेढ़शाना बन रहा है। बन ही नहीं सकता भाई, भाई अपने भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है। आप ठहरो, अपन कमला को लेकर आता है, उसके बाद आपको फोन घुमाता है। हेलो हाँ। हेलो चाचा, मैं बेबी को ला रहा हूँ। तो कहाँ है पता, मैं वहीं आता हूँ। अंजलि को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके चाचू। तुम कौन हो? पद्मा,
कस्टमर्स मुझे रात की रानी बोलते हैं। तुम कौन हो? आदित्य किधर है? उसी ने तुझे हमारे हवाले किया है। उसने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा, तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। मुझे तुम्हारे पास साधु के आदमी लाए थे। अब ये साधु बीच में कैसे आ गया? जिसने मुझे तुम्हें सौंपा। आदित्य से क्या रिश्ता है? कल तक तो कोई रिश्ता नहीं था, पर आज बहुत क्लोज है। अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हें क्यों बताऊं? तुम आदित्य के लवर हो? उसकी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड हूँ। उसकी तो पहले से ही अंजलि नाम की गर्लफ्रेंड है। तुम अंजलि को जानती हो? तुम भी उसे जानते हो? गाड़ी रोको प्लीज, मुझे जाने दो, मेरा आदित्य से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। ये लड़की अंजलि नहीं है, पद्मा है। कहती है आदित्य की पार्ट टाइम लवर है। मैं जानता था ऐसा ही होगा, वो लड़का एक नंबर का चालू है। लड़कियां तो सिर्फ उसके लिए टाइम पास है। अंजलि को मैंने कितनी बार समझाया पर वो मेरी एक नहीं सुनती। चाचा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अंजलि को आपके कदमों में डालकर ही खाना खाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा, चलो। आ जाओ बाहर निकल। अरे हाँ, वो गंजा आदित्य है क्या? पता ए, 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 हमारे पास वो लड़की है जो तुम लोग को चाहिए। हमें जो पद्मा चाहिए वो तुम लोगों के पास है क्या? अरे वाह, पद्मा है उनके पास। भाई हमारे पास पद्मा किधर है? ये तो कविता है। गद्दे, तेरे को मेरे को मालूम है कि ये कविता है, इसे को थोड़ी मालूम है। ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं? हेलो पद्मा, हमारे पास है कमला, है ना उधर? है ना। अब क्या दादा, ये कमला थोड़ी है, ये लड़की तो अंजलि है। चुप फटे हुए ढोल, ये तो हम जानते हैं कि ये कमला नहीं अंजलि है, उन्हें थोड़ी पता है। इसके बदले में पद्मा मिलेगी। कमला यहाँ से वहाँ पे करेगी हमला, पद्मा तू मेरी बाहों में आ। क्या विजयी भवर, आजा पद्मा, रानी तेरा राजा है तैयार। जल्दी इधर से कल्टी मारो रे, चलो 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 चलना। सर जी पद्मा मिल गई। ये कौन है रे? ये क्या हो रहा है? एक मुसीबत जाती है दूसरी आ जाती है। सेठ जी, उस लौंडे ने हमको मामू बनाया, लेकिन आप टेंशन मत लो, अपन ओरिजिनल वाली को आपके पास लेकर आएगा। अरे भाग गई। तो जाना पकड़ना। कौन किसको लेने आया था और किसको लेकर जा रहा है? कुछ लोग तो भरे हाथ आए लेकिन अब खाली हाथ है। मिस हो गई दादा। अब क्या करेंगे, ये सब तेरी वजह से हुआ। थोड़ा पतला होता तो उसे पकड़ लेता ना। बड़े बड़े भाई जोकर बन गए हैं। भाई नहीं बाई, सकूप बाई बन गए हैं। उसने भले मुझे मारा पर ये उसके रोमांस का स्टाइल है। वाइफ का फोन, बाप रे, इसका फोन अभी क्यों आया होगा? अब क्या करें? हाँ? किधर गई? अरे पद्मा कब मिलेगी? दादा हाँ, वो उधर है। चलो रे, पद्मा पद्मा मैं आ गया, मेरी जाने जा, चल गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी भगा गाड़ी भगा। देखा ना बंजी, अपने हाथ से कोई नहीं बच सकता। मेरी पद्मा। ये कौन सा मॉडल है? मेरा बेटा कहाँ है ना गधा? दादा आपको गधा बोलता है? गधा तो तू है। अरे पद्मा के झोल में जरूर इसका भी कुछ लेना देना है। आपको कैसे पता? तो इसने बुर्का फैशन चोकले पहना है। शटर डाउन। भाई ये तो कोई दूसरी लड़की है। अब तू कौन है रे? बात करने दे मेरे को। हेलो साधु भाई। ए, कमला मिल गई ना? नहीं भाई, कोई और ही लड़की मिल गई। चीटिंग करने में उसने पीएचडी करी हुई है। तू बस ये बता, मैं वहाँ आऊँ या फिर नहीं? नहीं अभी मत आओ, कमला मिल जाए फिर फोन घुमाता हूँ। मिल गई। कविता, इट्स पेनिंग बेबी। एंटीना पर मार मार मारूंगी तो कनेक्शन उखड़ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं जब कार में तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा था तो तुम इसी तरह से मार कर भाग गई थी। यू चीट, मुझे गुंडों ने किडनैप किया था, तब तुम कहाँ थे? तुम तो मुझे छोड़कर किसी और के साथ रोमांस कर रहे थे ना। यानी जिसने मुझे मारा? फिर मैं थोड़ी देर पहले कार में किसके साथ रोमांस कर रहा था? शैतान था? वो शैतान नहीं थी, तुम राक्षस हो हवस के। वो मुझे आदित्य के बारे में पूछ रहे थे। आदित्य? और इधर ऐसे कैसे? अगली बार जब मुझे फिर से किडनैप करेंगे तब पूछूंगी। ओके कूल डाउन, पता चल गया इस सारे फसाद की जड़ आदित्य है। अब देख मैं खुद उसका गेम ओवर करूंगा, देखती जाओ। कम ऑन, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। आदि वा
हाँ देख सामने वैन आ रही है। ए आदित्य। ए साधु। साधु मैं नरसिम्हा हूँ। अरे ये नरसिम्हा कहाँ से आ गया? छोड़ ना यार, नरसिम्हा हो या चरसिम्हा, अपने को अंजलि चाहिए, मिल गई है ना? हाँ सही बोला, इसको जल्दी भेज। हाँ पहले अंजलि को इधर भेज। पहले तू वो पार्सल यहाँ भेज, फिर ये पार्सल उधर कुरियर होगा। क्या दादा, अभी थोड़ी देर पहले हमने उस दूसरे आदमी को अंजलि सौंपी थी ना? अब उसे थोड़ी पता अंजलि एक्सचेंज हो चुकी है। ओ जरा चमन। ए साइको चल जा। ए प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ ना प्लीज। जा चल जा जा, क्या नजाकत भरी चाल है। वाह आजा आजा जा चल 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 गाड़ी चल। यस बच गए, अंजलि मिल गई। अंजलि को देना था, आपको कैसे दे दिया? मेरी हालत पे तरस खा। बॉयस कुछ पीने के लिए है क्या? अरे ये कोई पीने का टाइम है क्या? क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। कंट्री बार पर रुके क्या? चक्कर बाहर के बच्चा क्या उल्लू बनाना उसको, पटना हमारे हाथ लगे और उसके हाथ में भेजा फ्राई कर दिया है। अब तू कौन है रे? फिनिश कर दूंगी आदित्य को, फिनिश कर दूंगी। तो इतना चिल्ला के क्यों बोल रही हो? मैं बहरा नहीं हूँ, कान के पर्दे फट जाएंगे। पहले बहुत कुछ फट गया है, फिर चिल्लाई। उस आदित्य ने गलत मॉडल को बुरखा पहना के फिर से हमें टोपी पहना दी। दादा अब आगे का क्या प्लान है तू बताना। आदित्य को चाकू मार के मार देते हैं। लगता है तेरा आइडिया तेरे को तेरी तरह ही भारी पड़ेगा। आदित्य को मारने का सोचा भी कैसे? आदित्य मेरा लवर है, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। I love आदित्य। हेलो, अभी तेरा ड्रामा बहुत हो गया, ज्यादा शाना मत बन। तेरी छावी अंजलि अपन के पास है। अरे वो अंजलि नहीं पद्मा है, पर मुझे पद्मा ही चाहिए, जल्दी लेकर आ। ए फिर से मगजमारी मत चालू कर, सीधा बोल तेरे को वो मांगती है कि नहीं? हाँ मांगती है बेरे। मांगती है ना, मैंने सुना, फिर मेरे को बेरा क्यों बोला? तू ही आदित्य है क्या? नहीं हूँ। कब से तेरा क्या मचमच चालू है? हमारी लड़की भेज, हम तेरी भेजते हैं। डैड आप जाओ और प्लीज वो कुछ भी बोले शांति रहना। साधु की गैंग ने डैडी को लुड़काया तो डैडी का गम नहीं, अंजलि नहीं जाए नीचे। चलो डैडी खुश नहीं होगा, आ जाओ। भेज उसको भेज। पद्मा दूरा दूरा हो प्लीज, मुझे गलत मत समझना, मुझे अपनी गलतियाँ सुधारने के कई मौके मिले। मैंने जो भी घपले किए उनको कचरे की काली थैली में बांध के नाली में बहा देना। मेरी बेचारी अंजलि वो मेरी वजह से सब में फंसी हुई है, पर तुम फिक्र मत करो, उसको बचाने के बाद मैं पक्का तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। पर तब तक थोड़ा धीरज रखो प्लीज, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे ओके? हेलो नरसिम्हा बोल रहा हूँ। तो क्या करूं? अब और क्या करेगा, फिर से हमें गलत पार्सल दे दिया तूने। ऐसा क्या, उसको सीधा माल कर। ए, तू हम लोग को बहुत घुमा रहा है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और ये जो तेरी गर्लफ्रेंड है ना हमारे पास, उसको तुझे खून डोनेट भी नहीं करने दूंगा। वो तुम्हारे पास है? और नहीं तो क्या, कितना घुमाएगा रे तू? अबे अंजलि तो उस नरसिम्हा के पास है। चुप, पीपी करके डिस्टर्ब मत कर। चुप। अरे वो उनके साथ कैसे, हमने तो उनके साथ विनिशा को भेजा ना। हेलो, पहले हमने घफला करके लड़कियों की अदला बदली की, उन्होंने भी की, अब हम भी उनको ओरिजिनल माल देंगे, वो भी हमें ओरिजिनल माल ही देंगे। हाँ भाई पद्मा हमारे पास से ले जाइए और अंजलि को लेकर आना मत भूलना। उसको भेज हम लोग के पास और ये ले तेरा पार्सल। जाओ पद्मा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चली जाओ, डरो मत मैं बचा लूंगा। ए, इसको लेके जाओ। अंजलि कमला, साधु भाई तेरा गेम बजाने को मांगता है, या तो तेरा सर धड़ से अलग करेगा या कोल्हापुरी घुसा के तेरी भेलपुरी निकालेगा, उसके मूड पे डिपेंड है। दादा ये आदित्य ना बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड? अब तेरे को उसमें ऐसा भी क्या दिखा रहे? याद है उसने पद्मा के बारे में क्या बोला था,
पद्मा, अरे वो तो सबकी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है। वो तो है, वैसे उसने बोला था उसकी अंजलि नाम की भी एक गर्लफ्रेंड है। ए, तो चुप करना, यानी कि वो सबके लिए वो उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड है। दादा आप किसको पता कि उसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं? हेड ऑफिस एक है और ब्रांचेस कई सारी। आजकल प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा आ गई है कि सब चलता है। ए, पर एक लड़की जरूर आदित्य की राह देख रही होगी। दादा लगता है उसमें ऐसा कुछ है कि हर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है और उससे चिपक जाती है। नमस्ते सर जी। क्या रे, बदला मिली कि नहीं? मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ। चल जल्दी पकड़। हाँ चलो रे। भाई गाड़ी साइड में ले ले। ए, रुक रुक। क्या हुआ? बाथरूम लगे हैं। किसको? इसको। जा करवा के ला। आप यही रहना, मैं इसके साथ जाके आता हूँ। चल जल्दी, तेरे को भी चलते हैं। ए, ए, शाली भाग रही है, पकड़ो उसे, चलो। आप कर दो। ए रुक, कहाँ जाके भाग के? ए रुक। मैंने बहुत गलतियाँ की, तुम्हें बहुत ठेस पहुँचाई। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई लव यू सो मच जान, आई लव यू सो मच। ए जाना। आदि, ए। ए क्या रे? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती आदित्य। आई लव यू टू। चलो लेट्स गेट मैरिड नाउ। अब तक कुंडली में सिर्फ राहु था, अब तो राहु केतु शनि सब बैठ गए। मैडम छोड़ दो उसको, छोड़ दो। कुत्ते की मौत मारने के लिए तैयार हो जा। दादी, दादी, मेरा बच्चा। आदित्य, इतनी सारी पद्मा यहाँ पर, बहुत कंफ्यूजन है यार। ये उजड़ा चमन कौन है? आदित्य, पद्मा को इसी वक्त हमारे हवाले कर दे, वरना याद रख इधर कोई जिंदा नहीं बचेगा। ए आदित्य, साधु भाई को धोखा देकर तूने बड़ा पंगा ले लिया। कमला किधर है? आदित्य, मैं तेरे को फाइनल वार्निंग देता हूँ, पद्मा को मेरे हवाले कर दे वरना तू गया। पद्मा को तेरे हवाले नहीं करूँगा, चाहे तो अंजलि को ले जा। ए, ये पद्मा तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? अरे ऐसा नहीं है। अब पता चला तुम लड़कियों के लिए पागल हो। अंजलि बात कुछ और है, तुम समझ नहीं रही हो। कोई जरूरत नहीं, गो टू हेल, मैं जयंत से शादी कर लूंगी। अंकल प्लीज चलिए। अंजलि मेरी बात तो सुनो प्लीज। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी और की क्या जरूरत? तुम मेरे हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आई लव यू। चुप कर ले तो, देता हूँ तेरे को। आई विल किल यू, आई किल हिम। पद्मा को मेरे हवाले कर। ये पद्मा कौन है, तेरा उससे क्या रिश्ता है? प्यार का। अंकल आप तो रसीले निकले। तुम लड़की ही हो ना? आधी लड़की ही हूँ। इसको क्या कचरे के डिब्बे से उठाया था? चुप रे। चलो जयंत चलते हैं। प्यार एक से और शादी किसी और से, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। पर मैं किसी और से प्यार नहीं करती। लेकिन मैं करती हूँ। ओके मैं नहीं पद्मा पे फिदा, मेरा बेटा है। राइट पापा, दैट्स मी, आई लव पद्मा। हमें एक होने से कोई तूफान, साइक्लोन या सुनामी नहीं रोक सकती। हाँ, ये तो खुद ही एक बहुत बड़ी सुनामी है। ए, एक तू बाहर रपटा लगा के बता देती हूँ। देती हूँ, देती हूँ। ये वो है। तो यही है वो जिसके लिए तुम कह रही थी शादी कर लूंगी है ना? जगपति, मुझे लगा था कि तुम्हारा बेटा एक असली मर्द है, लेकिन ये तो एक लड़के के प्यार में पड़ने वाला बहुत घटिया लड़का है। माइंड योर लैंग्वेज, मेरे बारे में गलत बोला ना तो बद्दुआ लगेगी। मदन मोहन, हाय दूंगी, बद्दुआ दूंगी। पापा छोड़ो ना, इसकी धुलाई करके इसको साफ कर दूंगी। मैं जो हूँ वो हूँ, मेरी और पापा की जोड़ी सुपर हिट है। अब इससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैं भले ही एक नंबर का बेवड़ा और अय्याश हूँ, लेकिन मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे बुरी आदतों के हवाले मैंने ही किया, पर बेटा तुम जानती हो आदित्य कितना नेक और अच्छा लड़का है। प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ बेटी। आप भी मुझे अपना दुश्मन मत समझिए। मैंने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए किया। पता है मैं रिहाब में आपसे मिलने क्यों नहीं आती थी? ताकि मैं आदित्य से दूर रहूं और उसे बिगाड़ू नहीं। अरे बिगाड़ता तो आदित्य आपको था। मैं? एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आदित्य से दो साल दूर रह के आप कितने खुश और हेल्दी थे।
और जब से वो आपकी लाइफ में वापस आया है देखिए आपका क्या हाल हो गया है। I love you, अंजलि। मैं तुम्हें तुम्हारी गलत संगत से छुड़वा के तुम्हारे सारे ऐप खत्म करना चाहती थी। आदित्य! आदित्य, अच्छा मौत है, भाग चलो। I love you आदित्य, ये लड़की तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तुम चलो। अरे हट, तुझसे ये किसने कहा कि मैं आदित्य से प्यार नहीं करती हूँ? मेरी जो मर्जी, भले ही मैं उसे मारूं, डांटूं या चिल्लाऊं, but I love him and he loves me। आदित्य वो इंसान है जिसने सिर्फ मेरे लिए पूरे शहर को हिला डाला। I love you आदि। अंजलि। टेंशन क्या पहले से कम है, जो इसको भी अभी टपकना था। साइड में सरक सरक, इधर से सटक ले बाबा, चलना मोटे। सुन बे, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, जल्दी बता कमला कहाँ है, नहीं तो। नहीं नहीं रुको। ए, अगर मेरी बेटी को एक खरोंच भी आई ना तो गोली मार दूंगा। अंकल बेवकूफी मत कीजिए, उसको मार डालेगा। ए, चुप, ये सब तेरी वजह से हुआ, पहले तो तुझे मारना चाहिए। मार दो, मुसीबत की जड़ मैं ही उछाल के उखाड़ के फेंक दो। मारना है तो मुझे मारो, अंजलि को छोड़ दो। अच्छा, तेरे को मार के क्या मिलेगा? तू मर गया तो कमला कहाँ है ये कौन बताएगा? तू सच में गधे की बड़ी वाली औलाद है, खुद ही सीक्रेट लीक कर दिया। अब तो चौड़ा होके बात करूंगा, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हे, रुक जा, वरना मार दूंगा। बोलता क्या है, मारना? बोला ना मार दूंगा, तेरे को नहीं इसको। मैं खुद को खत्म कर दूंगा। अगर मैं मर गया तो तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि कमला कहाँ है। ए, चल छोड़, अंजलि को छोड़ दे, वरना ट्रिगर दबाऊ। ए, अभी मत मर, कमला को पाना बहुत जरूरी है, ये नहीं चाहिए। नहीं, पहले उसको छोड़, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू कमला को चोट नहीं पहुंचाएगा। हे, अगर कमला को कुछ नहीं करना होता तो इसे क्यों जाने देता? अंजलि भागो। हे, पकड़ो उनको। प्यार में नाकाम होने वाला अक्सर खुद को तबाह कर लेता है, पर तूने राजा शहर को तहस नहस करके अपना खोया प्यार फिर से पा लिया। तेरी वजह से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल साधु पकड़ा गया, बोनस में नरसिम्हा को भी पकड़ लिया। लव यू राजा। आदि ठीक हो ना? आदित्य, मुझे यकीन है तुम अंजलि का ख्याल मुझसे बेहतर रखोगे। हाथ दो बेटा, आज से ये तुम्हारी।